नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोगों ने बात की थी आपकी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में। आपके अभी तक हम लोग 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, यानी कि 3 चैप्टर से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम लोग देख चुके हैं। फिर चाहे याद रखिए MPPSC प्रीलिम्स के लिए हों, या फिर आप समझिए कि आपकी जो भी MPSI होती है, या फिर MP पुलिस होता है, समझ रहे हैं, MP पुलिस भी, और भी आपके जो भी व्यापम आपका एग्ज़ाम करवाता है, उन सभी के लिए एक तरह से ये क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। और याद रखिए, विस्तार से तो आप लोग इन चैप्टर को कई जगह पढ़ लेते हैं, कई बुक्स से पढ़ लेते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि फिर भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। तो अभी तक आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय भी हम लोग देख चुके थे, और इससे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको हम लोग देख चुके थे। फिर आपका दूसरा चैप्टर था आपका मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, इससे भी आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सब पर हम लोगों ने बात की थी। फिर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश के इतिहास की घटनाओं, जो भी इतिहास रहा है मध्य प्रदेश का, उस पर भी हम लोगों ने, उसके भी जितने भी क्वेश्चंस थे आपके लिए महत्वपूर्ण थे, उन सबको हम लोगों ने देख लिया था। और आज हम लोगों की बात करनी है कि मध्य प्रदेश की कला, मध्य प्रदेश की कला, साहित्य, और एक है आपका शिल्प और संस्कृति से संबंधित आपके जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। इसमें आप देखिए, चाहे आपके प्रमुख स्थापत कलाएं हो उनसे संबंधित क्वेश्चंस हो, या फिर आप समझिए कि आपका प्रमुख बोलियों से संबंधित क्वेश्चंस हो, या फिर त्योहारों से संबंधित क्वेश्चंस हो, समारोहों से संबंधित क्वेश्चंस हो, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट, इनसे संबंधित क्वेश्चंस हो, या फिर आपके साहित्यकारों से संबंधित क्वेश्चंस हो, चित्रकला, रंगकर्मी, प्रमुख पुरस्कार, संस्थाएं, संग्रहालय, इनसे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्रम से देख लेते हैं, ठीक है। और याद रखिए, अभी तक आपकी जितनी भी क्लासें ली जा रही हैं तो आपकी एक प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है। किस नाम से प्लेलिस्ट सूची है? MPGK इम्पोर्टेंट फैक्ट के नाम से। तो उसी में आप लोग देखते रहिए, सभी क्लासें क्रम बाई क्रम आपकी डली हुई है। और बस आप लोगों को एक एडजस्ट करना होगा कि इसमें आप लोग देखते होंगे कि ये बड़ा ऐप है, जो आपका एक तरह से वाइट बोर्ड वाला, बड़ा छोटा सा आप लोगों को दे रहा है, उसमें लिखना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें लिखना बड़ा मुश्किल है, तो आप लोगों को एडजस्ट करना होगा किसी भी तरह से, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्थापित कला के बारे में। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थापित कला को 3 भागों में बांटकर आप लोग देखते हैं। एक तो आप देखते हैं पहली आपकी मंदिर और मूर्ति स्थापित कला, और दूसरी आप देखते हैं कि स्तूप आप लोग पढ़ते हैं ना, स्तूप स्थापित कला, और तीसरी आप लोग देखते हैं इसमें गुफा जानते हैं ना, गुफा स्थापित कला। तो सबसे पहले आप लोगों को बंदे एक तरह से मंदिर के बारे में बता देते हैं, जो मंदिर स्थापित कला है यहाँ की। तो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के जो मंदिर बनाए जाते हैं किस शैली में बनाए जाते हैं? तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नागर शैली। क्या? नागर शैली के बारे, शैली से संबंधित, ठीक है। भारतीय आर्य शैली भी इसे आप लोग कह देते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या है आपकी नागर शैली की? तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा मधुमक्खी पेटिका की आकृति वाला गुम्बद देखने को मिलेगा, और आप देखेंगे वर्गाकार ग्रिड सिद्धांत पर आधारित निर्माण, जैसे आप लोग तेली का मंदिर हो गया, ग्वालियर का, ठीक है। फिर आप इसमें विशेषता की बात करें तो नागर शैली की एक विशेषता, आप लोग बाहरी सौंदर्य पर विशेष ध्यान, यानी कि मंदिर के बाहर आप लोग देखेंगे विशेष सौंदर्य, मतलब अच्छा सजाया जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे गर्भगृह, जिसमें मूर्ति विराजमान होती है, आप लोग जाते हैं ना पूजा करने के लिए, तो आप जाते हैं कि एक गर्भगृह होता है, उसमें एक मूर्ति रखी जाती है, उसी की पूजा की जाती है, ठीक है। और याद रखिए, अधिकतर जो आपके नागर शैली के मंदिर हैं, जिनमें आप लिखते हैं चंदेल, जो आपके खजुराहो के हों, या सिंधिया, होलकर, कलचुरी, पितिहारों ने जो भी मंदिर बनवाए हैं आपके नागर शैली में बनवाए हुए हैं, तो ये आप लोगों को काफ़ी याद रखनी होगी, ठीक है। तो ये क्या करना होगा, काफ़ी इससे संबंधित आपको याद रखनी होगी। और एक आप देखते हैं कि बुंदेलखंड स्थापित शैली की भी बात करते हैं, तो आप लोग याद रखिए खजुराहो शैली भी इसे कहा जाता है, चंदेल शैली भी इसे कहा जाता है। और आप देखते होंगे कि 10वीं और 13वीं शताब्दी के जो भी मंदिर, बीच मंदिर बने आपके चंदेल शासकों ने, इन्हें विशेष संरक्षण भी दिया हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। और आगे आपसे क्वेश्चन बन सकता है
देखिए, जिस क्षेत्र में जो भी सामग्री पाई गई उन्हीं से आपके मंदिर बनाए गए, ये भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। जैसे आप लोग खजुराहो के मंदिरों के बारे में भी पढ़ते हैं, तो इनमें भी आप लोगों को काफ़ी एक तरह से देखना होगा कि ये सभी चंदेल राजाओं ने बनवाए हुए हैं, ये तो आप लोग जानते हैं, और 11वीं शताब्दी के आसपास ही बनवाए गए हैं। और याद रखिए, एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो खजुराहो के मंदिर हैं किस किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं और आपके जैन मंदिर से संबंधित, जैन धर्म से। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक आप लोग सुनते हैं चतुर्भुज मंदिर, सुना है आपने, ये कहाँ पड़ता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि चतुर्भुज मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये निवाड़ी जिला, जो आपका नया निवाड़ी जिला बना था, ओरछा में पड़ता है। ठीक है, जो निवाड़ी जिले में आता है, और इसमें आप देखेंगे भगवान विष्णु को राम के रूप में दिखाया गया है यहाँ। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, इससे भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह का, एक पशुपति मंदिर भी आप लोगों ने सुना होगा, कहाँ है पशुपति मंदिर, कौन सा पशुपति मंदिर, ये आपका मंदसौर में देखने को मिलेगा, मंदोदरी, समझ रहे हैं? तो पशुपति मंदिर अगर डायरेक्ट आपसे ऑनलाइनर में क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोगों को याद रखना होगा कि ये आपका शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर, और पशुपति शिव रूप में यहाँ स्थापित किए गए हैं, और शिवना नदी के किनारे मंदिर है। ठीक है, शिवना, ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें, और ये भी आपका देखेंगे आप लोग कि नागर शैली में ही बनवाया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये मंदिर कहाँ है, तो याद रखिए, एक तो आपका महाकालेश्वर मंदिर आपका कहाँ है, उज्जैन में पड़ता है, जो छिप्रा नदी के किनारे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और यही आपका, यहाँ आप देखते हैं कि एक महाकाल नाम से प्रसिद्ध काफी है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक विष्णु मंदिर से भी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है, ये कहाँ है विष्णु मंदिर, ये आप देखेंगे देवगढ़ झांसी सुने, तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा विष्णु मंदिर। ठीक है, ये आपका कहाँ है, देवगढ़ झांसी, देवगढ़ झांसी, ये भी आप लोग याद रखिए, और ये भी आपका नागर शैली में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और भगवान विष्णु के 10 अवतारों को मूर्तियों के माध्यम से यहाँ पे दर्शित किया गया है, किसमें, विष्णु, जो आपका विष्णु मंदिर है देवगढ़ का, ये भी आप लोग याद रखिए। ग्वालियर में भी आप लोग कई मंदिर देखते हैं, बता देता हूँ, वैसे आप लोग सुन लीजिए, ग्वालियर के अगर मंदिरों की हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन से मंदिर यहाँ देखने को मिलेंगे, और याद रखिए तेली का मंदिर, आप लोग सुनते हैं ना, ये तेले जो राजा हुआ करते थे इनके द्वारा बनवाया गया था, तेली का मंदिर। ठीक है, एक ग्वालियर में है आपका, एक सहस्त्र बाहू, या जिसे आप लोग सास बहू के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपका ग्वालियर में ही है। चतुर्भुज मंदिर भी आपका ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा। एक सूर्य मंदिर भी है, ये भी आपका देखने को मिलेगा ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा, लश्कर में, आप लोग अगर रहते होंगे अगर ग्वालियर में तो यहाँ काफ़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ एक बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ये सभी आपके ग्वालियर में ही है, और ये ग्रेनाइट मार्बल के द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक है, आपसे बता रहा हूँ कि जहाँ जिस भी तरह का एक तरह से आप सामग्री रहेगी उसी से बनवाए जाते थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। अगर हम स्तूपों की अगर बात करें तो आप लोगों देखते हैं सांची का स्तूप, आप लोगों ने सुना होगा सांची का स्तूप, सुने हो, पिछली क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। सांची के स्तूप के बारे में क्या याद रखना है आपको, सांची का स्तूप, और याद रखिए इससे क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? इससे भी आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं इससे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही देखना होगा कि ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा इसमें याद रखिए रायसेन जिले में पड़ता है, रायसेन जिले में पड़ता है। तीसरा आपको याद रखना होगा कि ये अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और सबसे पहले इसे प्रकाशित किसने किया था, तो जनरल टेलर ने इसे खोजा था, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
और यहाँ जो आप लोग परिक्रमा पथ देखते हैं ना, चारों ओर जो परिक्रमा पथ बनाया जाता है, ये सुंगकालीन सुंग राजाओं ने बनवाया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर आप देखते हैं भरहूत, भरहूत इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये कहाँ है, सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि कहाँ है, तो याद रखिए सतना जिले में पड़ता है, किसने, सतना जिले में, एमपी का एक जिला है ना सतना, सतना ना कि सतला, सतना, ठीक है भाई, जो रीवा संभाग में पड़ता है, और याद रखिए अशोक द्वारा बनवाया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरह का भी पूछ सकता है, ठीक है। और अशोक काल में आप देख सकते हैं इसका कुछ विकास भी, विकास सुंग काल में भी करवाया गया था, इनसे भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और स्तूप के चारों ओर आप लोग चौरन द्वार भी देखने को मिलेगा, इसमें आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ आप लोगों को कुछ इस पर लिखा हुआ खरुष्टी लिपि अंकित देखने को मिलेगी, ये भी आपसे अगर पूछता है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस यही आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। एक है आपका स्वास्तिक स्तूप, ये कहाँ है, स्वास्तिक स्तूप ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपका देखने को मिलेगा सिंगरौली जिले में, सिंगरौली जिला सुना है ना, वहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपका लगभग आपका 6वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ठीक है। और यहाँ आप लोगों को 11 स्तूप देखने को मिलेंगे, और याद रखिए बुद्ध भगवान से संबंधित ये भी आपका है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चंस आपके इन स्तूपों से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और लास्ट क्लास में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे हम लोगों ने स्तूप आपके देखे थे। गुफाओं से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो यही आपसे पूछेगा कि गुफा किसने बनवाई थी, कहाँ है, ठीक है। तो एक आप लोग सुनते हैं उदयगिरी की गुफा, उदयगिरी की गुफा ये कहाँ देखने को मिलेगा बताइए, उदयगिरी की गुफा ये विदिशा जिले में देखने को मिलेगा, कहाँ, विदिशा जिले में आपका जो सोनपुरा गांव है यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिए। और ये आप लोग देखेंगे विदिशा जिले में देखने को मिलेगी, और गुप्तकालीन के आसपास शास्त्रीय कला के अनुरूप उदाहरण भी यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये भी आप लोग देखते होंगे, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे 20 गुफाओं में अधिकांश को काटकर मंदिर स्वरूप दिया गया है, समझ रहे हैं आप लोग, और चट्टानों को काटकर ही मंदिर के स्तंभ बनाए गए, मान लीजिए कि ये चट्टान खड़ी हुई है, समझ रहे हैं आप लोग, तो इन्हीं को काट के एक तरह से गुफाएं बनाई जाती हैं, आपने देखी हुई होगी, आपके आसपास भी एक तरह से इस तरह की गुफाएं देखने को मिलेगा। इसमें क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि इसमें जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, इसमें गुफा नंबर 4 आपकी, इसमें विशाल शिवलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, गुफा नंबर 5 में आप लोग देखेंगे वराह अवतार को देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और गुफा नंबर जो आपकी 13 है, इसमें अगर हम बात करें तो शेष साई भगवान विष्णु की मूर्ति देखने को मिलेगी यहाँ, ये भी आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछ लेगा, मान लीजिए कि आपसे पूछेगा गुफा नंबर 5 किससे संबंधित है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप लोगों को याद रखना होगा कि वराह अवतार से संबंधित है, ठीक है। और गुफा नंबर 19 की अगर बात करें हम लोग, तो जिसमें आप देखेंगे गंगा और यमुना को लघु आकृतियों और आरोपित पैटर्न के साथ जीवंत किया गया है यहाँ, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उदयगिरी की गुफाओं के बारे में यही पॉइंट आपको याद रखना होगा। पर आप लोग सुनते हैं भीमबेटका की गुफाओं के बारे में भी, भीमबेटका की गुफाएं, इससे क्वेश्चन आपका किस तरह का बन सकता है, कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखना होगा, तो इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को यही याद रखना है कि आखिर है कहाँ ये, तो याद रखिए रायसेन में आपकी उब्दुल्लागंज रायसेन में पड़ती है, कहाँ, आलसे रायसेन, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और विंध्य पर्वतों में स्थित है, ठीक है, और यहाँ काफ़ी चित्त भी यहाँ के काफ़ी एक तरह से फेमस रहे हैं, ठीक है। और इसकी अगर खोज की बात करें तो 1957 में खोज हुई थी इसकी, डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछ लेगा कि कब इसकी खोज की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो एक पुरातत्वविद थे आपके डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, ठीक है, इस नाम को आप लोग याद रखिए, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी 1957 में, ठीक है, भीमबेटका की, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ आप लोगों को कम लगभग 500 के करीब गुफाएं भी देखने को मिलेंगी भीमबेटका गुफाएं में, ठीक है, और इसमें आप लोगों को अनेक चित्र भी, इसमें अंदर आप देखेंगे चित्र भी बनाए गए हैं, ठीक है,
तो आप लोगों को याद रखना होगा। और ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास में कुछ समय यहाँ रहे भी हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग। और भीमबेटका की गुफाओं में कुछ प्रसिद्ध गुफाएं भी इस प्रकार हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं इन्हें, आप लोग एक तरह से याद रखिए, कभी भी पूछ लेगा कि ये गुफाएं किस गुफा में हैं, किस कहाँ हैं, तो आपसे एक तो है मैदा, क्या है, मैदा लेनी है गुफा, ये भी आपकी भीमबेटका ही में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक आप देखते हैं यह वरा है, गिरी वरा है, गिरी सैल गुफा, ये भी आपकी भीमबेटका ही गुफा में देखने को मिलेगा। इनके नामकरण किए गए हैं एक तरह से, ठीक है। और एक देखते हैं आप लोग बड़ा महल, क्या है, वड़ा महल, बड़ा महल, ये बड़ी है इसलिए आप देख सकते हैं कि बड़ा महल इसका नाम रख दिया है। आपके घर में देखते हैं ना आप लोग, कोई बड़ा है तो उसे बड़े कहने लगते हैं इसी तरह। इसमें काफ़ी मानव की एक तरह से एक आप देख सकते हैं फोटो भी देखी दिखाई गई है, छोटा महल भी है आपका। और याद रखिए इस क्षेत्र में आप देखेंगे योद्ध क्षेत्र के चित्र बनाए गए हैं इसमें छोटा महल में, ठीक है। घुड़सवारी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। एक है आपकी मुर्दा टोंग, मुर्दा टोंग गुफा, ये भी आपकी भीमबेटका ही में ही देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये ताम्रपाषाण काल के लगभग एक तरह से आप कह सकते हैं इस समय के ये चित्र देखने को मिलेंगे। तो ये सभी आप लोगों को भीमबेटका के बारे में याद रखना होगा, ठीक है। एक है आपकी, सुनते हैं आप लोग, बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, इससे क्वेश्चंस किस तरह का बन सकता है, कौन कौन से फैक्ट आप लोगों को याद रखना है इसमें, गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं या फिर बाघ की गुफाएं, यानी कि देख रहे हैं गुफाओं है। मतलब इसमें एक गुफा नहीं है, अधिक गुफाएं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो बाघ नदी है ना, इसकी इसके तट पर देखने को मिलेगा इंदौर झाबुआ मार्ग से अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग सबसे पहले याद रखिए। और अजंता की जो आप लोग गुफाएं सुनते हैं ना, ये समकक्ष मानी जाती हैं, इसी समय की लगभग बनवाई जाती हैं। और यहाँ कुल आपको देखने को मिलेगा 9 गुफाएं थीं, जिनमें से आपकी 4 तो नष्ट हो चुकी हैं लेकिन 5 अभी भी सुरक्षित हैं, ठीक है। ये भी आप लोग, अगर आपसे पूछे कि इसकी बाकी गुफाओं की खोजकर्ता की अगर पूछे, तो इसकी खोज हुई थी 1818 में, किसने की थी, इसका इनमें नाम था इनका खोजकर्ता का डोंगर, डोंगर फील्ड, ठीक है, इस नाम को जरूर आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि गुफाओं की संग गुफाओं जो आपकी गुफाएं हैं बाकी, इन्हें 1951 में राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया गया था। तो आपसे पूछिए अगर कि गुफाओं जो बाकी गुफाएं हैं, राष्ट्रीय स्मारक किस वर्ष किस साल में घोषित किया गया था, 1951 में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें भी बाकी गुफाओं में भी आप लोगों को चित्र देखने को मिलेंगे, चित्रकारी, और जिसे आप लोग फ्रेस्को मुगल पेंटिंग भी कहते हैं। इसका काल भी, इन गुफाओं का काल भी माना जाता है कि गुप्तकालीन गुफाएं हैं सभी, 5वीं ईस्वी के आसपास, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप लोग सुनते हैं धरथरी, क्या है, धरथरी गुफाएं, इनके बारे में क्या याद रखना है, तो ये सबसे पहले तो आप लोग याद रखिए कि उज्जैन के, उज्जैन से आप देखेंगे कालियादेह महल के निकट ही देखने को मिलेंगी। और इसमें से ये भी टोटल आपकी 9 थी, जिनमें से 4 तो आपकी नष्ट हो चुकी हैं लेकिन 5वीं अभी भी सुरक्षित हैं, ठीक है, सही अवस्था में है। और राजा भरथरी के सम्मान में परमार शासकों ने इनका निर्माण करवाया था, तो परमार शासकों ने आप जानते हैं कि इनका निर्माण करवाया था, ये भी आप लोग, यहाँ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफ़ी रंगीन चित्र देखने को मिलेंगे, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। और बौद्ध कालीन इसमें शिल्प के एक तरह से शिल्प भी देखने को मिलेगी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। तो भरथरी की गुफाओं के बारे में भी आप लोगों ने देख लिया है, आगे चलते हैं हम लोग।
ये सभी आपकी गुफाएं हो गई और मंदिर हो गए, स्तूप हो गए, ठीक है। और आपसे आपसे क्वेश्चन अगर पूछे, भाषा बोलियों के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, भाषा और बोलियों से इससे किस किस तरह के पॉइंट आ सकते हैं या आप लोगों को याद रखना है तो आप लोग याद रखिए। एक तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि मध्य प्रदेश की भाषा का है राज्य भाषा क्या है, हिंदी को माना जाता है, ठीक है। किसको? हिंदी को, ऐसी आपकी हिंदी सबसे पहले तो आप लोग याद रखिए। एक राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8(1) के तहत 1976 में आप देखेंगे राजभाषा नियम बनाए गए थे, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश को कासैडी में रखा गया था, जिसकी जिसकी भाषा क्या है, हिंदी, ठीक है। और कासैडी में आपको 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी देखने को मिलेंगे, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और मध्य प्रदेश राजभाषा आपका अधिनियम 1957 आया हुआ था, इसकी धारा 3 के तहत आप देखेंगे मध्य प्रदेश शासन के शासकीय कार्यों को राजभाषा हिंदी में किया जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिए। और विधानसभा के भी जो आप देख सकते हैं कि जो भी काम होते हैं, जो भी विधेयक होते हैं, ये भी आपकी हिंदी भाषा में ही होंगे मध्य प्रदेश के, ठीक है। क्योंकि आप समझिए कि यहाँ के लोग हिंदी भाषा जानते हैं, और आप ना हिंदी में ना बना के आप सोचें मराठी में बना दें, कौन समझेगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा कि जो मध्य प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1957 है, इसकी धारा 4 के तहत मध्य प्रदेश को विधानसभा के जो भी समस्त कार्य होंगे इसमें हिंदी भाषा में होंगे, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और मध्य प्रदेश शासन ने 2016 में, आप लोगों को ये भी याद रखना होगा, 2016 में मध्य प्रदेश शासन ने एमपी गवर्नमेंट ने आपके जो ये भी निर्णय लिया था कि प्रत्येक स्तर पर सभी शासकीय पत्राचार आपकी हिंदी में ही होंगे, जिसे लोग समझ पाए आसानी से, ठीक है, ये भी आप लोग। और आप लोग जानते होंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं, 14 सितंबर को आप लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं, इसे भी आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसकी सिफारिश इसे मनाने की निर्णय लिया था 1953 में पहली बार, ठीक है। और ये याद रखिए राष्ट्रभाषा विचार समिति वर्धा ने इसका सिफारिश की थी, ये भी आप लोग ये भी पूछ लेता है कई बार कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता किसके द्वारा दी गई थी और कहाँ दी गई थी और कब दी गई थी। तो याद रखिए जो आपके राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे ना, थरूच भरूच गुजरात में कहा गया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, 1917 की बात है। लेकिन आप देखते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, एक बात और हमेशा याद रखिए। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि जो आप राजभाषा विभाग देखते हैं ना, ये किसके अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के, ठीक है, होम मिनिस्टर के, होम मिनिस्ट्री देखते हैं ना उसी की, ये भी आप लोग याद रखिए। और जो राजभाषा आपका अधिनियम पारित हुआ था ये 1963 में हुआ था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की बोलियों के बारे में। मध्य प्रदेश की भाषा तो आपने हिंदी देख ली, लेकिन बुंदेली एक तरह से आप कहिए बोलियाँ बहुत सारी हैं यहाँ। कौन कौन सी हैं? बुंदेली, सबसे पहले तो आप लोग बुंदेली जानते हैं ना, और बड़ी अच्छी है, क्या है, बुंदेली बड़ी अच्छी है, बी सी आपका बुंदेली शॉर्ट में लिखिए, ठीक है। और इतने तो आप लोग बहुत समझदार भी हो गए। बुंदेली तो इसे माना जाता है कि आर्य भाषा रही परिवार की बोली है, इसे भी आप लोग याद रखिए। और इसका नामकरण अगर आपसे पूछे तो जॉर्ज, इसके नामकरण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुंदेली बुंदेली एक तरह से भाषा बोली का नामकरण किसने किया था, जॉर्ज गियर्सन ने, गियर्सन ने, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यह सोर सैनी की अपभ्रंश है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और ये बुंदेली की बात करें तो ये आपको बुंदेलखंड हो गया, जिसमें आप देखेंगे टीकमगढ़, सागर, नरसिंहपुर, इसके आसपास बोली जाती है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और यूपी के कई जिलों में बोली जाती है, जैसे झांसी ये लगे हुए हैं बुंदेलखंड में, यहाँ भी बोली जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया था, तो महेश कटारे ने, किसने, महेश कटारे ने, ये नाम आप लोग याद रखिए, कटारे, महेश कटारे ने बुंदेली भाषा का, बुंदेली जो आपकी बोली है इसका संकलन किया था, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर एक आप सुनते हैं बघेली,
बघेली, तो बघेलखंड में आप देखते हैं इसे बोला जाता है। और याद रखिए अर्ध मगधी भाषा का अपभ्रंश है, अर्ध मगधी भाषा का, ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिए। और इसमें क्या याद रख सकते हैं, और ये बघेली आप देखते होंगे रीवा हो गया आपका, शहडोल हो गया, सीधी हो गया, सतना हो गया, इस जगह बोली जाती है आपकी बघेली। और आप लोग यहाँ से होंगे तो आप लोग जानते भी होंगे, उत्तर प्रदेश में भी आप देखते होंगे फतेहपुर हो गया, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, इसके आसपास बोली जाती है आपकी, ठीक है, ये भी आप लोग, ठीक है। एक आपको ये याद रखना होगा कि बघेली का शब्दकोश किसने तैयार किया था, तो सीधी जिले के आपके थे श्री निवास शुक्ल ने, इस नाम को याद रखिए। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपके डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो ये थे आपके श्रीनिवास शुक्ल ने इसका शब्दकोश तैयार किया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। फिर आती है आपकी मालवी, और कई बार तो आपकी पूछ लेता है कि क्या मालवी मध्य प्रदेश की बोली है, तो इस तरह के डायरेक्ट भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है आपसे। तो मालवी के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि ये मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, और इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, इस क्षेत्र में काफ़ी बोली जाती है आपकी। और इसके अलावा आप देखेंगे भोपाल, होशंगाबाद, गुना, नीमच, मंदसौर, और इस क्षेत्र में भी काफ़ी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी आप लोग। इसके शब्दकोश की अगर बात करें हम लोग मालवी की, तो इसके शब्दकोश किसने तैयार किया था, ये थे आपके संकलनकर्ता इसके शब्दकोश के, थे श्री प्रहलाद चंद जोशी, ठीक है, इस नाम को भी आप लोग जोशी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और डॉक्टर के एल हंस ने इसे पश्चिमी हिंदी भी कहा है, आपसे पूछे अगर कि पश्चिमी हिंदी मालवी को किसने कहा था, तो डॉक्टर के एल हंस ने, या पूछे कि पश्चिमी हिंदी किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है मालवी को, ठीक है, ये भी आप लोग, तो ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। एक आपकी है निवाड़ी, इसके बारे में क्या क्या है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना होगा कि ये पश्चिमी मध्य प्रदेश जो निवाड़ क्षेत्र है ना, जो खरगोन हो गया, खंडवा हो गया, बुरहानपुर हो गया, बड़वानी हो गया, इस क्षेत्र में आपकी बोली जाती है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और आप सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि 14 सितंबर को तो आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन 29 सितंबर को आपका निवाड़ी दिवस भी मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। और डॉक्टर श्री राम परिहार को जानते हैं, इन्होंने निवाड़ी साहित्य का इतिहास नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, निवाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी थी, डॉक्टर श्री राम परिहार ने, ठीक है, ये भी आप लोग देखिए। ब्रज भाषा के बारे में भी आप लोग सुनते होंगे, तो इस किस क्षेत्र में बोली जाती है मध्य प्रदेश के, तो ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश से जो उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र है ना, मथुरा, यहाँ बोली जाती है, जैसे ग्वालियर, मुरैना, से ऊपर भिंड हो गया, इस क्षेत्र में उनसे जुड़ा हुआ है, वहाँ बोली जाती है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा इसे भी। और हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है, इसकी मुख्य भाषा भी रही है ब्रज, समझ रहे। और जो तुलसीदास ने, आप देखते हैं, विनय पत्रिका लिखी थी, ये भी किस भाषा में लिखी गई थी, विनय पत्रिका आपकी ब्रज भाषा में ही लिखी गई थी, ये भी आप लोग, विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी, तुलसीदास, और ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, ये भी आप लोग याद रखिए। फिर आप लोग देखते हैं आप लोग देखते हैं एक भदावरी बोली भी है, किस क्षेत्र में बोली जाती है भदावरी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा
कोरकू गोंडू गोंडी ये भी बोली जाती है, लेकिन भदावरी के बारे में बात करें अगर हम लोग तो एक कुछ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में बोली जाती है, जैसे भिंड हो गया, महगांव का कुछ गांव हो गया, भदावर धाम गांव हो गया, इस क्षेत्र में बोली जाती है, भिंड के क्षेत्र में, मुरैना में, ठीक है, भिंड मुरैना ग्वालियर के क्षेत्र में, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और अन्य बोलियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक जानदो माटी हो गया, जानदो जाने दो नहीं जानदो माटी, ये आप देखेंगे मुरैना के और शिवपुर के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, इस क्षेत्र में काफ़ी आप लोग सबलखंड हो गया इस इलाके में भी बोली जाती है, यहाँ भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक आप लोग सुनते हैं पंचमहली, पंचमहली, तो इसके बारे में अगर बात करें हम तो ये आप देखेंगे कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये ग्वालियर ज़िले में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली बोली है, ठीक है, डबरा भितरवारा आप लोग सुनते हैं ना, इसमें पिछोर चौनोट टेकनपुर इस क्षेत्र में बोली जाती है पंचमहली, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक आपकी जटवारी भी है, वारी, इसकी अगर बात करें तो ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी आपकी भिंड और मुरार ग्वालियर की साइड बोली जाती है, ठीक है, और इससे आप लोगों से क्वेश्चन अधिकतर यही पूछ लेगा कि जट बारी बोली कहाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो याद रखिए जाटों के भरतपुर, आप जानते हैं इनकी क्षेत्र की काफ़ी चर्चित रही है बोली, तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। कुछ आपकी और भी हैं, सिकरवारी ये आप जानते होंगे, ये भी आप देखेंगे मुरैना के क्षेत्र में बोली जाती है सिकरवारी, सिकरवारी एक जनजाति एक आपकी जाति होती है ना, तो ये उन्हीं से क्षत्रियों से भी जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। एक कछवाहधारी भी बोली जाती है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कहाँ, ये भी आपके ग्वालियर के जो ग्वालियर क्षेत्र में कभी आप देखते थे कच्छा बछाट रह शासक रहा, कछवाह शासक रहा, इनका शासन रहा है, तो उन्हीं के द्वारा बोली जाती है, अभी भी आप देखेंगे उस क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, उनका एक तरह से प्रभाव अभी भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा भेंड ग्वालियर के आसपास। एक आप देखते हैं, एक है आपकी तोरधारी, तोर धारी, ये भी आपकी बोली है, समझ रहे हैं, एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि एक कदम पे पानी बदले और एक कोस पर बदले बोली, तो वही हाल है कि आपके देश में अनेकों बोली हैं, तो ये भी आपकी मुरैना के क्षेत्र में आप देखेंगे तोमर जो क्षत्रिय हुआ करता था क्षेत्र, उस क्षेत्र में बोली जाती थी, ठीक है, और अभी भी तोमर क्षेत्रों में काफ़ी इसे बोला जाता है। मुरैना क्षेत्र के आप अम्बा और पोरसा तहसील देखते हैं, इस क्षेत्र में काफ़ी इस बोली को बोला जाता है, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। एक आप सुनते हैं लोधधारी, लोधधारी घारी घारी, ठीक है, लोधधारी, इसके बारे में बात करें तो ये भी भंडे के लोधी जो क्षत्रिय हुआ करते थे ना, उनके द्वारा बोली जाती थी, ठीक है, एक तो क्या है कि जो क्षत्रिय हुए उन्होंने अपनी एक बोली निकाल दी, लीजिए बोल दी अपने लोगों से कहा उन्होंने, एक रजपूती कितनी है, राजपूतों के द्वारा, ये आप समझ रहे हैं रजपूती, ये भी आप देखेंगे कि मध्य भारत में विशेषकर आप देखेंगे राजपूत घराना हुआ करते थे, उनके द्वारा बोली जाती थी, और भिंड क्षेत्र में जहाँ भी आप देखेंगे ये आपके राजपूत रहे हैं उस क्षेत्र में काफ़ी से मान्यता मिली हुई है। एक आप सुनते हैं पवारी, क्या पवारी, इसके बारे में बात करें तो आप एक पवार जाति के बारे में सुने हो, छिदवाड़ा के क्षेत्र में, तो इनके द्वारा काफ़ी बोली जाती है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। एक कौरवी, कौरवी बोली भी रही है, इसे भी आप लोग कौरवी, तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये आप देखेंगे हिंदी की पूर्व बोली रही है कौरवी मानी जाती है, भिंड जिले के क्षेत्र में काफ़ी बोली जाती है, दतिया के क्षेत्र में भी बोली जाती है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। जनजातियों से, जनजातियों की भी बोली आप देखते हैं, उनकी भी अलग अलग बोली हैं, आप जानते हैं, जैसे आप लोग देखिए भील, भीली, आप समझ रहे हैं,
तो आप देखेंगे ये आर परिवार से बोली मानी जाती है, और झाबुआ पश्चिम निवाड़ धार रतलाम में जो भील जनजाति है इनके द्वारा बोली जाती है, समझ रहे हैं आप लोग, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और एक आप सुनते हैं मवासी, मवासी तो ये आप देखोगे छिंदवाड़ा में एक मवासी जाति पाई जाती है छिंदवाड़ा के क्षेत्र में, उसके द्वारा बोली जाती है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप सुनते हैं बरेला, तो ये आप देखेंगे बरेला जनजाति आप देखते हैं कि भील की उपजाति हुआ करती है, इसके द्वारा बोली जाती है, और पश्चिमी निवाड़ हो गया विशेषकर खरगोन अलीराजपुर में ये बोली जाती है, तो इनसे भी याद रखिए। एक है आपकी गोंडी, गोंडी से आपसे क्वेश्चंस किस तरह पूछेगा, तो ये आपका गोंड जनजाति आप लोग सुनते हैं ना, इसके द्वारा बोली जाती है, और इसकी जो भी उपजातियाँ भी हैं उनके द्वारा गोंडी भाषा बोली जाती है, इसे भी आप लोग याद रखिए। तो ये भी आप लोगों को क्या रखना होगा, याद रखना होगा। गोंडी, इनकी अपनी गोंडी लिपि भी है, जिस तरह आप हिंदी की देखते हैं ना कि देवनागरी है, उसी तरह इनकी भी गोंडी लिपि है, ठीक है। और ये होशंगाबाद हो गया, खंडवा हो गया, हरदा हो गया, बैतूल हो गया, मंडला हो गया, डिंडोरी हो गया, इस क्षेत्र में बोली जाती है गोंड जनजाति के द्वारा, इससे जो भी आप इनकी उपजातियां भी हैं वो लोग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को, एक बंजारी भाषा के बारे में आप लोग सुनते होंगे, बंजारा जनजाति के बारे में सुनते हैं ना, बंजारी, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना होगा, जो बंजारा जाति होती है जनजाति, इसी के द्वारा बोले जाता है। और ग्वालियर का क्षेत्र हो या भिंड मुरैना डबरा, इस क्षेत्र में काफ़ी बोली जाती है, ठीक है, तो ये भी आप लोग। और बंजारी पर राजस्थान की बोलियों का काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि बंजारा आप देखते हैं अधिकतर जाति राजस्थान में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। एक आप लोग सुनते हैं सहरियाई जाति, तो एक सहरिया जनजाति के बारे में आप सुनते हैं, उसी के द्वारा बोली जाती है, सहरिया जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली एक सहरियाई बोली है। ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में आपको सहरिया काफ़ी देखने को मिलेंगे, भिंड के क्षेत्र में मुरैना से ऊपर ग्वालियर, दतिया से ऊपरी अशोकनगर के आसपास, गुना के नगर के आसपास भी सहरिया जनजाति आप लोगों को काफ़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप सुनते हैं नहाल, तो ये आप लोगों को देखने को मिला कि बैतूल जिले की एक आदिवासी जनजाति है नहाल, इसके द्वारा ये बोली जाती है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और आदिवासी अपनी बोली या फिर उनकी जो भी संस्कृति है, आप कह सकते हैं कि अगर आप कहिए कि संस्कृति को अगर किसी ने अभी तक बचाए रखा है तो वो है आदिवासियों की, जनजातियों की। आप देखते हैं वो अपनी एक तरह से अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपने देखा होगा उनके क्षेत्र में अगर कोई घुसता भी है तो वो हमला कर देते हैं, क्योंकि वो अपना वही पुरानी परंपरा से जीना पसंद करते हैं। अगर मध्य प्रदेश के हम लोग त्योहारों पर्व के बारे में बात करें, तो एक आप लोग सुनते हैं संजा, क्या सुनते हैं, संजा के नाम से एक त्यौहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, जिसे आप लोग मामूलिया भी कहते हैं, मामूलिया, ठीक है। और ये मालवा क्षेत्र में कुंवारी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है, और आप देखेंगे अश्वन माह में 16 दिन तक चलता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और इसकी विशेषता यही है कि दीवार पे फूल पत्ती से आकृतियाँ या अंकन किया जाता है, संध्या के समय आप देखेंगे गाने गाए जाते हैं, ठीक है, और कुमारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है मालवा के क्षेत्र में, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें शिव गौरी की प्रार्थना की जाती है। और बुंदेलखंड में ऐसे आप लोग मामूलिया के नाम से जानते हैं, ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ। अब लड़कियाँ क्यों मनाती हैं आप लोग समझ सकते हैं। एक है आपका क्या है, ये आपकी लावनी, ये आपका किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखिए ये आपका एक तरह से निवाड़ में, आप निवाड़ क्षेत्र जानते हैं, उस क्षेत्र में काफ़ी इसे मनाया जाता है, ठीक है। इसमें आप एक और याद रखिए, एक निर्गुणी जिसमें दार्शनिक प्रार्थनाएं होती हैं, दूसरा सिंगारी जिसमें रोमांटिक गीत भी गाए जाते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि रोमांटिक गीत भी गाए जाते हैं। एक होता है घड़ल्या, इसे आप लोग मालवा के क्षेत्र में
काफ़ी मनाते हैं। घड़ल्या, ठीक है, तो ये मालवा के क्षेत्र में काफ़ी चर्चित है और एक कन्याओं का त्यौहार है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसे बुंदेलखंड में टिशु या फिर सुवारा भी कहते हैं, ठीक है, और उसी से मिलता जुलता पर्व है। गौंड जनजाति में कन्याएं छाला पर्व भी मनाती हैं, इसे गौंड जनजाति में छाला पर्व भी कहते हैं, छाला त्यौहार या पर्व, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक होता है आपका सुवारा, इसे अब सुवाटा भी कहते हैं मुझे लगता है कई क्षेत्र में, आप लोग बताइएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में मुझे लगता है इसे सुवारा भी सुवाटा भी कहते हैं। और ये भी देखेंगे आप लोग की कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है, और दीवार पर ये लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के चौक बनाते हैं और उसी में उसी की पूजन जो भी करती रहते हैं, ठीक है। शिव पार्वती की अभी आकृतियाँ इसमें बनाई जाती हैं, सूर्य चंद्रमा के दो भाइयों के रूप में भी प्रदर्शित इसमें किया जाता है, कन्याएं गौरी पार्वती को समर्पित गीत भी गाती हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। लड़के भी कुछ करने लगे मुझे लगता है तो बेहतर है, उन्हें भी कुछ हासिल हो। गोवर्धन पूजा भी, ये तो आप लोगों ने सुना हो ना, गोवर्धन वर्धन पूजा, तो ये आप देखेंगे इसने ये पूजा श्री कृष्ण भगवान द्वारा, आपने सुना होगा कि गांव वासियों को जब गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से बचाने के एक तरह से प्रकरण से संबंधित है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। भील जनजाति इस पर आपका हीड गायन भी करती है, ठीक है, और इस पर्व आप में देखेंगे गोबर से गोवर्धन बनाकर इस उसके समय दीप भी जलाते हैं लोग, ठीक है, तो ये भी आप लोग। एक आप सुनते होंगे गंगा दशमी, गंगा दशमी या फिर आप लोग गंगा दशहरा भी कहते हैं इसमें, दशमी, ठीक है, या फिर ऐसे आप लोग क्या कहते हैं, गंगा दशहरा। और तो याद रखिए मध्य प्रदेश के सभी हिंदू जातियां जो भी हैं इसमें ये सभी लोग मनाते हैं। और याद रखना चाहिए कि ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हिंदू इस पर्व को गंगा के पृथ्वी अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं और नदी स्नान भी करते हैं, ठीक है, तो हिंदुओं में ये काफ़ी प्रचलित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, तो ये भी आप लोगों को क्या रखना होगा, याद रखना होगा। अगला क्या है आपका, गणगौर पर्व, गणगौर पर्व या त्यौहार, तो एक ही क्षेत्र में मनाया जाता है। तो सबसे तो पहले ये आप लोग याद रखिए कि मालवा और निवाड़ क्षेत्र में इसे मनाया जाता है और इसमें भी पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक है, ये भी आप लोग। और साल में आप लोग देखेंगे दो बार मनाया जाता है, एक तो भादों के महीने में और एक चैत के माह में, ठीक है, तो भी आप लोग याद रखिएगा। और विवाहित स्त्रियां काफी इसे मनाती हैं, ठीक है। एक आप लोग सुनते होंगे कजरी नवमी के नाम से, कजरी नवमी की बात करें तो सावन की कजरी नवमी का या शिशु आप देखेंगे शिशु की माताएं मनाती हैं, यानी कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, और आप देखेंगे ये लगातार पूर्णिमा तक चलता है आपका, तो ये भी आप लोग, इसमें काफ़ी शोभा यात्रा भी निकालती हैं महिलाएं, फिर आगे जाके उस पात को कुएं में विसर्जित या तालाब में विसर्जित कर देती हैं, ये भी आप लोग। एक आप लोग सुनते हैं, एक त्यौहार है आपका सुवा, या इसे आप लोग एक और नाम से जानते हैं, एक नाम है इसका सुग्गा, त्यौहार, ठीक है, नित्य त्यौहार। तो इसमें आप देखेंगे दीपावली के ठीक एक माह पहले मैकल पहाड़ी जो पूर्वी मध्य प्रदेश है ना, यहाँ की महिलाएं बनाती हैं इसे, ठीक है, और सुवा का अर्थ होता है कि तोता, आप लोग सुवा सुनते होंगे ना, उसका मतलब होता है तोता। और इसमें आप देखेंगे तोते की भांति कोई एक तरह से पुतला बना लेती हैं, या फिर तोता अगर कहीं मिल जाए तो उसकी पूजा करती हैं लोग, ठीक है,
और याद रखिए भील जनजाति, मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति है ना, इसके द्वारा भगोना और गवार नृत्य करने का प्रचलन भी इसी अवसर पर है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप सुनते हैं नवन्ना, नवन्ना ये क्या है? एक तो लिखना बड़ा मुश्किल है, बड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा होगा, फिर भी ठीक है। तो ये फसल बुआई होती ना, जो रोपाई होती है फसल, उसी पर एक तरह से बुंदेलखंड में ये मनाया जाता है, और दीपावली के 11वें दिन इसे मनाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और इस अवसर पर आप देखें गांव गाय को अनाज की रोटियां भी खिलाई जाती हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग। फिर एक आप लोग सुनते होंगे हरेली, हरेली त्यौहार, या फिर इसे आप लोग हरिया गोधा के नाम से भी जानते हैं, हरिया गोधा, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये किसानों का पर्व है, या फिर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगी हरेली या हरिया गोधा ये किन से जुड़ा हुआ है, किस वर्ग से जुड़ा हुआ पर्व है, त्यौहार है, तो किसानों से जुड़ा हुआ है। और इस समय क्या करता है कि किसान कृषि और लोहे उपकरण की पूजा भी करता है, ठीक है, और ये श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस दिन किसान अपने खेत में हल भी नहीं चलाता है, समझ रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को। और फसल ही अच्छी वो इसी के लिए मनाते हैं किसान, और मालवा में से हरिया गोधा भी कहते हैं। मालवा में आपको देखने को मिलेगा कि स्त्रियां ऐसे व्रत भी रखती हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। फिर एक पर्व आप सुनते हैं भवोली, भा ओली पर्व, इसके बारे में क्या पॉइंट याद रखना है, भावोली त्यौहार या पर्व, ठीक है। तो ये भी आपका मालवा में, और आप देखेंगे बुंदेलखंड में जो मनाया जाता है, ठीक है। और ये नागपंचमी से प्रारंभ होता है, और पर्व में मिट्टी के पात्रों में गेहूं चना चावल के बीज डालकर उन्हें प्रतिदिन पानी भी दिया जाता है। एक तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो जवारे बोते हैं ना, उन्हीं की तरह ये, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक आपका होता है कजल्या पर्व, क्या है कजल्या, कजल्या पर्व, ठीक है। कजल्या पर्व तो ये आप देखो जो भादों की पूर्णिमा होती है ना, इस दिन रानी मलहन देवी के सम्मान में यह पर्व मनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और इस दिन महिलाएं क्या करती हैं, अपने भाइयों और रिश्तेदारों पति को भी राखी बांधते हैं, पति को भी राखी बांधते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब आपको पॉइंट मालूम चला है इसमें, ठीक है। एक आप लोग सुनते हैं नौरता, क्या है नौरता, जिसे आप लोग नीरजा भी कहते हैं, नवरात्र पर्व भी कहते हैं नौरता। मुझे लगता है ये नौरता पता नहीं कौन सा नौरता है, बुंदेलखंड में भी एक नौरता मनाया जाता है, नौरता जिसे आप लोग नीरजा के नाम से भी जानते हैं, आप लोग भी बताइए ये कौन सा है नीरजा। इसके बारे में अगर बात करें हम तो दशहरे के 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र निवाड़ मालवा क्षेत्र में माँ दुर्गा की आराधना के लिए मनाया जाता है, कहाँ निवाड़ मालवा क्षेत्र में, ठीक है। इस दौरान इस पर्व पर आप देखेंगे महिलाएं पुरुष पृथक पृथक और सामूहिक रूप से गरबा आदि नृत्य यानी कि नाच भी करती हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक और आपका सिंहस्थ पर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा सिंहस्थ पर्व, और ये आप जानते होंगे कि ये आपका कुंभ का मेला आप लोग सुनते हैं ना कि 12 वर्ष में एक बार लगता है उज्जैन में छिप्रा नदी के तट पर, ये वही है, और 6 साल में लगता है अर्धकुंभ, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक आपका होता है ढोल ग्यारस, ढोल ढोल ग्यारस, तो इसमें इसे आप लोग जल झूलनी भी, झूलनी एकादशी भी कहते हैं, और ये आपकी देखने को मिलेगा कि भादो मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये पूरे मध्य प्रदेश में लगभग मनाया जाता है। और याद रखिए
नेवाड़ और मालवा क्षेत्र में इसमें विशेष जुलूस भी निकाले जाते हैं, और भगवान माना जाता है ऐसा कि भगवान विष्णु इस दिन करवट लेते हैं, समझ रहे हैं। एक आप सुनते हैं आखा तीज, अक्षय तृतीया या आखा तीज के बारे में, इससे क्वेश्चंस किस तरह का बन सकता है। तीज, आखा तीज, तो कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं इस दिन, और विवाह के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है। आप लोगों में से कई लोग रखते होंगे, तो आप लोग भी रखा करिएगा, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जनजातियों में भी त्यौहार काफ़ी मनाए जाते हैं। एक तो आप सुनते होंगे रतौना, ये जनजातियों के त्यौहार हैं रतौना, इनसे क्वेश्चंस भी आपके कई पूछे जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपकी जनजातियाँ काफ़ी देखने को मिलेगी। तो याद रखिए, ये आपका बैगा जनजाति के बारे में सुने, उसी के द्वारा मनाया जाता है, और इसमें इस त्यौहार में मधुमक्खियों की पूजा भी की जाती है बेगा जनजाति के द्वारा। एक आप लोग सुनते होंगे मेघनाथ, क्या मेघनाथ पर्व, ये क्या है मेघनाथ पर्व, इसमें आप देखेंगे ये गोंड जनजाति होती है ना, उसी के द्वारा मनाया जाता है, और मेघनाथ को गोंड सर्वोच्च देवता भी मानते हैं, मानकर इसकी पूजा भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए गोंड जनजाति से संबंधित है। सबसे पहले तो आप लोगों को यही रखना है कि किस जनजाति में ये मनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप सुनते हैं लारू काज, इसके बारे में क्या याद रखना होगा, ये आपका सुअर की बलि दी जाती है इस त्यौहार पर, और ये भी आपका गोंड आदिवासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है नारायण देव के सम्मान में, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। एक आया आपका नवन्ना, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें भी आप देखेंगे एक तरह से आपका गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, और इसमें नारायण देव राम ताई को धान अर्पित किया जाता है, ये भी आप भवानी माता की पूजा भी की जाती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक आपका छाला पर्व, क्या होता है छाला पर्व, इसमें क्या कौन मनाता है इसे छाला पर्व, तो इसे आप लोग देखेंगे इसे मनाती है आपकी कौन सी जाति, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को याद रखना होगा कि बुंदेलखंड के सुआरा रहता है, उसी से एक तरह से मिलता जुलता पर्व है, गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, गोंड जनजाति, तो गोंड जनजाति का आपकी त्यौहार बनाती है। एक होता है आपका रास नावा, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये बेगा जनजाति से संबंधित है, और इस पर क्या होता है कि इस त्यौहार पर ये लोग शहद जो मधुमक्खियों से निकाली जाती है उसी को खाते हैं, ठीक है, तो ये आपकी बेगा जनजाति से जुड़ा हुआ है। भगोरिया, ये भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि भगोरिया किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, ये आपका भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, किसके भील जनजाति के द्वारा, और लगभग ये भील जहाँ भी पाए जाते हैं उनके सबके द्वारा मनाया जाता है। और फागुन सुनते हैं ना, फागुन होलिका दहन से 7 दिन पूर्व प्रारंभ होता है, और झाबुआ की आप लोग भगोरिया काफ़ी प्रसिद्ध भी है यहाँ, ठीक है, और इनमें आप लोग देखते होंगे कि भगोरिया में 3 मुख्य दिन होते हैं, एक तो गुगलिया, एक गुगलिया हाट, भगोरिया हाट और उजड़िया हाट, ठीक है। और एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इस त्यौहार पर इन जो आपके इस समय त्यौहार होता है उसमें युवक युवतियाँ अपने जीवन साथी का चयन भी करती हैं, यानी कि आप समझिए कि एक दूसरे को पसंद करना, ठीक है। एक आप लोग सुनते हैं घैला उत्सव, एक इसके द्वारा गोंड जनजाति का त्यौहार है, और ये आखा तीज से मिलता जुलता त्यौहार है काफ़ी अक्षय तृतीया से, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, और ये भी आपका फसल बुआई के आसपास ही मनाया जाता है। और एक आपका होता है छेरता, या जिसे आप लोग खिचड़ी उत्सव भी कहते हैं छेरता, या फिर आप लोग इसे क्या कहते हैं खिचड़ी पर्व, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जो पूस माह होता है ना, अंतिम दिन छेरता पर्व मनाया जाता है, और आदिवासियों में ये मनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए।
ये नए साल के जैसा ही एक तरह से आप कहिए कि त्यौहार है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना होगा आपसे। और आपसे क्वेश्चन इस तरह के भी पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक समारोह भी होते हैं, सांस्कृतिक समारोह भी काफ़ी होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, इनसे क्वेश्चंस आपका कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है सांस्कृतिक समारोह। तो इनमें आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को याद रखना होगा। सबसे पहले बताता हूँ कि कालिदास समारोह कहाँ होता है। कालिदास समारोह आपका उज्जैन में होता है, कालिदास समारोह उज्जैन में, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए कि खजुराहो समारोह कहाँ होता है, तो आप लोगों को याद रखना होगा खजुराहो में होता है, और खजुराहो कहाँ पड़ता है, छतरपुर जिले में, ठीक है, ये आप लोग। एक होता है आपका तानसेन समारोह, ये कहाँ होता है, ग्वालियर में। तानसेन समारोह कहाँ होता है, ग्वालियर में, ठीक है। फिर आपसे पूछे कि मालवा उत्सव कहाँ होता है, तो ये मालवा उत्सव होता है आपका इंदौर, उज्जैन और मांडू में, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आपसे पूछे कि अगर निवाड़ उत्सव की बात करें, निवाड़ उत्सव कहाँ होता है, तो ये आपका होता है खरगोन और खंडवा में। निवाड़ उत्सव कहाँ होता है, खरगोन खंडवा। एक आपका होता है अलाउद्दीन खान संगीत समारोह, ये कहाँ होता है, ये आपका अलाउद्दीन खान संगीत समारोह, ये आपका मेहर सतना आप लोग सुनते हैं ना, यही आपका होता है, ठीक है। और अमीर खान संगीत समारोह, ये आपका इंदौर में होता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आपका होता है ध्रुपद, डी से ध्रुपद समारोह, ये भोपाल में होता है, कहाँ, भोपाल में, ठीक है। एक होता है मध्य प्रदेश समारोह, इससे क्वेश्चंस आपका जरूर पूछता है और आप लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश समारोह कहाँ होता है, तो आप लोगों को ऑप्शन दे देगा मध्य प्रदेश में आपका भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, और एक दे देगा आपका दिल्ली। तो याद रखिए दिल्ली में होता है, ना कि मध्य प्रदेश के किसी जिले में, ना संभाग स्तर पर, ठीक है। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है, दिल्ली, ठीक है। ओरछा उत्सव कहाँ होता है, ओरछा उत्सव आपका टीकमगढ़ में होता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और आप लोग अपडेट होता रहा करिएगा, ओरछा अब आपका टीकमगढ़ निवाड़ी में पड़ने लगा है, तो आगे से हो सकता है कि ओरछा आपका निवाड़ी जिले में भी पड़े, क्योंकि आप समझिए अब टीकमगढ़ का संबंध ओरछा से कुछ है भी नहीं है। एक होता है आपका पद्माकर समारोह, ये आपका होता है सागर में। पद्माकर समारोह कहाँ होता है, सागर में, ये भी आप लोगों को। एक होता है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, ये कहाँ होता है, जबलपुर में। सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ होता है, जबलपुर। एक होता है आपका माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, ये कहाँ होता है, खंडवा में। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ होता है, खंडवा में। और निवाड़ उत्सव कहाँ होता है, निवाड़ उत्सव होता है आपका खंडवा, खरगोन, बड़वानी में। और दुर्लभ वाद विवाद कहाँ होता है, भोपाल में। दुर्लभ वाद विवाद कहाँ होता है, भोपाल में। जनजाति फिल्म उत्सव कहाँ होता है, इंदौर में। जनजाति फिल्म उत्सव कहाँ होता है, इंदौर में। लोक रंग समारोह कहाँ होता है, भोपाल में। लोक रंग समारोह कहाँ होता है, भोपाल में। टेपा सम्मेलन कहाँ होता है, उज्जैन में। टेपा समारोह कहाँ होता है, उज्जैन में। लता मंगेशकर संगीत समारोह कहाँ होता है, इंदौर में। लता मंगेशकर संगीत समारोह कहाँ होता है, इंदौर में। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहाँ होता है, शाजापुर में। इन सभी समारोहों को भी याद रखिए, अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, इनसे भी अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप लोग आराम से याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश पर्व के बारे में अगर पूछे, तो आप जानते हैं कि 1 नवंबर को भोपाल में होता है मध्य प्रदेश पर्व, ठीक है, ये भी आप लोगों को। और एक आपका होता है राष्ट्रीय रामलीला समारोह, ये शासन और रामलीला मंडलियों की सहभागिता से प्रतिवर्ष प्रदेश के कई नगरों में होता है। और एक आपका केशव जयंती समारोह, याद रखिए 1987 से हो रहा है, ओरछा में रामनवमी के अवसर पर होता है ओरछा में, ठीक है, क्योंकि ये ओरछा से ही जुड़े हुए थे, ठीक है, याद रखिए। कुछ आपके देखते हैं आप लोग की, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। भवानी प्रसाद मिश्रा स्मृति समारोह, ये नई कविता से संबंधित है। और आप लोगों को फजल तबीस स्मृति समारोह, ये हिंदी उर्दू से जो भी रचनात्मक लेखन होते हैं उससे संबंधित है। सोमदत्त स्मृति समारोह, युवा रचनाकारों को समर्पित है। सामी स्मृति समारोह, ये उपन्यास से संबंधित है। सरद ज्योति जोशी स्मृति समारोह, ये उपन्यास से संबंधित है, उपन्यास लेखक से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है आपका,
संगीतकारों की बात कर लेते हैं, कुछ आपके संगीतकार भी रहे हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले संगीतकारों में आपके तानसेन साहब रहे हैं, तानसेन साहब। इनका सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना होगा तानसेन का मूल नाम क्या था। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इनका मूल नाम था राम तनु मिश्रा, राम तनु मिश्रा। और ये आपके ग्वालियर के भेट गांव में मुकुंद मिश्रा के यहाँ इनका जन्म हुआ था 1506 में, ग्वालियर के पास, ठीक है, याद रखिए। और तानसेन को आप देखेंगे रामचंद, जो राजा रामचंद थे रीवा के, भत्ता के, रीवा को पहले भत्ता भी कहते हैं ना, यहाँ के राजा हुआ करते राजा रामचंद, इनके दरबार में रहा करते थे। लेकिन आप देखेंगे बाद में अकबर के दरबार में इन्हें लाया गया था, ठीक है, और अकबर ने इन्हें मियाँ की उपाधि भी दी थी, मियाँ की। अगर आपसे पूछे कि तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी, तो ये अकबर ने, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और इनके गुरु के बारे में अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे तो मोहम्मद गौस था इनके गुरु का नाम, ठीक है, मोहम्मद गौस। और इनका मकबरा भी आप लोग देखते होंगे कि ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी आप लोगों को। और इन्हें, इनकी अगर संगीत की शिक्षा की बात करें तो संगीत की शिक्षा इन्हें स्वामी हरिदास में दी थी, हरिदास, ये भी आप लोग याद रखिए, हरिदास में, ठीक है, ये भी आप संगीत गुरु अगर पूछे तो हरिदास। और याद रखिए इनसे, आपने देखा होगा कि इनसे क्वेश्चंस और पूछता है इनकी, कि मोहम्मद गौस के मकबरे के पास ही इनकी ग्वालियर में समाधि भी देखने को मिलेगी तानसेन की, ठीक है। और इनकी डेथ हुई थी 1585 में आगरा में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, आगरा। तो इनसे यही क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ये अकबर के तानसेन एक तरह से नवरत्नों में से एक थे, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप सुनते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके बारे में सबसे पहले तो यही रखिए कि इनका जन्म 1881 में होता है। कहाँ इनका जन्म होता है? त्रिपुरा के शिवपुर ग्राम में, ठीक है। और ये कलकत्ता आकर एक तरह से उन्होंने हाबूदत्त में से मेडल सीखा। और एक अंततः मेहर जो आपका सतना क्षेत्र है ना, राजा बिजनाथ के आमंत्रण पर यहाँ बस गए थे और इन्हीं की इनकी कर्मस्थली बन गई। और आगे देखते हैं आप लोग कि इनका उस्ताद अलाउद्दीन मेहर अकादमी भी यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। उस्ताद की अगर शिष्यों की बात करें तो जो पंडित रविशंकर सितार वादक थे, पन्ना लाल घोष सहनाई, आशीष खान सरन रानी, अली अहमद, ये सभी इन्हीं के शिष्य रहे हैं, ठीक है, ये भी आप लोग। और आप देखते हैं कि मध्यप्रदेश शासन इनकी याद में एक तरह से स्मृति भी मेहर में करवाती है, अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। फिर एक नाम सुनते हैं उस्ताद हाफिज अली खां, हाफिज अली खां। तो इनके बारे में बात करें अगर, तो इनका जन्म हुआ था खान का, इनका 1888 में, कब? 1888 में, ठीक है। और 1888 में इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में, ठीक है। और इनके पूर्वज थे अफगानिस्तान से आए हुए थे, ये भी आप लोगों को। ये ग्वालियर के जो माधव राव सिंधिया थे प्रथम, और जीवाजी राव सिंधिया, इनके दरबार में भी लंबे समय तक सेवाएं देते रहे। और इन्हें संगीत एक तरह से रत्नाकर से भी नवाजा गया था। ठीक है, एक आप नाम सुनते हैं राजा भैया पूंछ वाले, राजा भैया पूंछ वाले, ये पूंछ कहीं का एक तरह से इनका गांव होगा, उसी के नाम पर पूंछ वाले इनका नाम रख दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। इनका जन्म होता है 12 अगस्त, 12 अगस्त सन 1882 में, ठीक है। और
ये आप देखेंगे ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और इनका अगर बात करें तो ये आप बालकृष्ण आनंद राव अल्टेकर ही इनका पुराना एक तरह से नाम, इनका एक दूसरा नाम बालकृष्ण आनंद राव अल्टेकर ही, यही राजा भैया पूंछवाले के नाम से काफी प्रसिद्ध हुए देश दुनिया में। और ये एक तरह से आप कहिए कि जो झांसी था पूंछ के जागीरदार हुआ करते थे इनके पिताजी, ठीक है, दादाजी, इसी तरह से इनका नाम पड़ा। एक आप नाम सुनते हैं अमीर खां, अमीर खां, तो इनके बारे में अगर बात करूं तो इनका 1913 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? इंदौर में, इंदौर में, ठीक है, इंदौर में इनका जन्म होता है। और अमीर खां को सारंगी और बीड़ा वादन में उनके पिता से ही ज्ञान मिला, या सारंगी और बीड़ा वादन करते थे, ठीक है, इस प्रकार भी आप लोग इन्हें भी याद रखिए। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण जो विभूषण सुनते हैं इन्हें, इनसे इन्हें दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखिए। 1967 में इन्हें जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है ये भी दिया गया था। और 1974 में मोटर दुर्घटना में इनका एक तरह से देहांत हो गया था। इंदौर घराने के जन्मदाता हैं, समझ रहे हैं आप लोग। एक सुनते हैं आप लोग कुमार गंधर्व, क्या, कुमार गंधर्व, ये कौन थे? हाँ, तो बेलगांव कर्नाटक, सुना है, 1924 में इनका वहीं जन्म हुआ था, कर्नाटक में बेलगांव, ठीक है। इनका मूल नाम की बात करें कुमार गंधर्व के, तो शिवपुत्र था, शिवपुत्र, शिवपुत्र, शिव का पुत्र, समझ रहे हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। इन्होंने काफी रागों का निर्माण भी किया, जैसे आप देख सकते हैं अहि मोहिनी, मालवती सहेली, तोणी, मिधमारी, भावमत, भैरव, लगन गंधार, गांधी राग, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक के बारे में अनुराग विलास नामक संगीत पुस्तक की रचना भी की थी, किसने? कुमार गंधर्व ने। और इन्हें कालिदास सम्मान भी दिया गया था। इनका जन्म की बात करें, इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। इनका देहांत हुआ था 1992 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक नाम सुना होगा कृष्ण राव पंडित, कृष्ण राव पंडित, ठीक है, कृष्ण राव पंडित साहब, तो इनके अगर हम लोग बात करें ग्वालियर, इनका जन्म हुआ था 1893 में ग्वालियर में, कहाँ, ग्वालियर में। इनके पिता का नाम था श्री पंडित श्री रवि शंकर, श्री शंकर राव पंडित, ठीक है। इनके अगर गुरु की बात करें तो मोहम्मद निसार हुसैन थे, कृष्ण राव पंडित के। आप समझिए कितनी हमारे यहाँ मतलब एकता थी कि पंडित, मतलब आप सोचिए पंडित का गुरु एक तरह से मुसलमान हो सकता है, मुसलमान का गुरु पंडित हो सकता है, वो तो आप समझिए कि एक तरह से इस एकता को खत्म किया है नेताओं ने, समझ रहे हैं आप लोग, वरना हम लोग बड़े शांति से रहा करते थे। और समझ भी सकते हैं आप लोग, इतिहास में भी पढ़ते हैं, ये भी आप लोग। इन्होंने आप देखेंगे इन्होंने संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश, संगीत आलापचारी, सितार, जल तरंग, तबला वादन शिक्षा, हारमोनियम वादन शिक्षा, इन सभी ग्रंथों की रचना भी की थी कृष्ण राव पंडित ने, ठीक है, ये भी आप लोग। इन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए, जिनमें आप देख सकते हैं भारतीय संगीत पीठा विद्यापीठ, संगीत मार्तंड विभूषित, ठीक है, और पद्म विभूषण से भी इन्हें एक तरह से सम्मान दिया गया था, तानसेन सम्मान भी इन्हें दिया गया था, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगले हैं आपके शंकर राव पंडित, शंकर राव पंडित, पंडित जी, ठीक है, शंकर राव पंडित, तो इनका जन्म हुआ था 1863 में, और कहाँ हुआ था? ग्वालियर में जन्मे थे, ठीक है, ये भी आप लोग।
राग यवन सुनते हैं, इस पर इनका एकाधिकार था, काफ़ी इसमें क्षेत्र में चर्चित थे। फिर एक नाम सुनते हैं अमजद, अमजद अली खान, अली खान, अली खान, ठीक है। इनके अगर जन्म की बात करें तो 1945 में इनका जन्म होता है, कहाँ, ग्वालियर में, ठीक है। ये सरोद वादक थे काफ़ी विख्यात, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और इन्हें सन 2000 में पद्म विभूषण भी दिया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। ये आपके संगीतकार हो गए जो भी मध्य प्रदेश के रहे हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोग मध्य प्रदेश के जो लोक गायन हैं एमपी के, उनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा क्वेश्चन आपसे, लोक गायन, लोक गायन, तो इनसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जा सकता है बताइए। कि इनसे एक तो पूछा जाएगा कि जैसे आपका देख लीजिए कि कलगी तुर्रा है, ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसकी विशेषता क्या है, और इसमें प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र क्या है, यही क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। इस तरह के पूछेगा या नहीं पूछेगा, पूछना भी चाहिए हो कहना। तो सबसे पहले आप देखिए कलगी तुर्रा आपका निवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, और याद रखिए इसमें शिव पार्वती को समर्पित है। कलगी तुर्रा निवाड़ क्षेत्र से संबंध रखता है, शिव पार्वती को समर्पित है, और इसमें प्रयुक्त होने वाले अगर हम लोग वाद्य यंत्र की बात करें तो चंग हुआ करता था, ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिए। एक आप फाग के बारे में सुनते हैं, फाग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, तो ये भी आपका निवाड़ क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित रहा है, और ये होली के अवसर पर आप जानते हैं, ठीक है। इसमें भी आप देखते हैं कि ढोल मंजीरा बजते रहते हैं, समझ रहे हैं। एक आप सुनते हैं गरबा, गरबा, इसके बारे में बात करें तो ये भी निवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसमें आप गरबा, गरबी, गलवन ये सुनते रहते हैं, ताल की थाप इसमें वाद्य यंत्र रहता है। एक आप सुनते हैं मसान्या, मसान्या, ये लोक गायन है आपका, ये भी आपका निवाड़ क्षेत्र में होता है और मृत्यु गीत है ये, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप देखते हैं निरगुड़िया, निरगुनिया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आपका मालवा क्षेत्र, निरगुनिया आपका निवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और याद रखिए निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में एक तरह से इसे ये विशेषता है इसकी, एक तारा और खड़ताल इसका एक तरह से प्रयुक्त वाद्य यंत्र है, ठीक है। फिर आप सुनते हैं भरतरी, भरतरी, ये आपका मालवा से क्षेत्र से संबंधित है, और नाथ संप्रदाय के लोग इसे चिंकारा पर भरतरी कथा गाते हैं, चिंकारा इसका वाद्य यंत्र है। एक आप सुनते हैं सांझा गीत, सांझा गीत, ये आपका मालवा से संबंधित है, और याद रखिए इसमें मालवा की किशोरियाँ का पारंपरिक गीत है, ठीक है। एक आप सुनते होंगे तेजाजी की कथा, तेजाजी की कथा, तो ये आप लोगों को मालवा क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और विरोचित कार्यों का वखान किया जाता है इसमें। एक आप लोग सुनते हैं हीड गायन, हीड गायन, तो एक अब तो ये भी आपका मालवा क्षेत्र से संबंध रखता है, और श्रावण के महीने में ये होता है, ठीक है। एक बरसाती वर्ता, तो ये आपका मालवा क्षेत्र से संबंधित रखता है, और ऋतु कथा गीत इसमें वर्ता, वर्षा ऋतु आप जानते हैं ना, उसी से संबंधित है, ठीक है। लावनी, ये आपका निमाड़वा मालवा और निवाड़ी निवाड़ क्षेत्र में होता है, और आप लोगों को देखने को मिलेगा ऋतु कथा, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा निर्गुणी दार्शनिक गीत गाए जाते हैं। एक आप सुनते हैं रेलू गीत, तो ये आपका मुंडिया सिंह और मड़िया भील जनजाति के द्वारा गाया जाता है, और युवा की युक्तियों की गीत हैं ये, ठीक है। एक आप सुनते हैं चौकड़िया फाग, चौकड़िया फाग, ये बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है, और ईसरो की रचनाओं का गायन किया जाता है। आहला भी आप लोग सुनते होंगे, ये भी आपका बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है, और इसमें वीर रस प्रधान काव्य है, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। भोला गीत, या इसे आप लोग बम्बुलिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं,
बम्बुलिया, लमटेरा भी गीत भी कहते हैं। तो ये भी आपका बुंदेलखंड से संबंधित है और नर्मदा स्नान जाते समय लोग गाते हैं इसे, मधुर गीत है। एक आपका है बैराटा, बैरा याटा यटा, ये आपका याद रखिए बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है, कथा गायन शैली है। एक दीवारी गायन, तो ये आप जानते हैं कि बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है और ये दोहों का गायन शैली से संबंधित है, दीवारी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और एक है आपका जगदेव का पुरावा, जगदेव, तो ये भी आपका बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है और भजन शैली का गायन इसमें होता है। एक आप सुनते हैं बस देवा, तो ये आपका बघेलखंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बस देवा गायन आपका कहाँ से जुड़ा हुआ है, बघेलखंड। कथाओं और गाथाओं का गायन किया जाता है इसमें, चुटकी, पेजर, सारंगी, ये सभी इसके वाद्यंत्र होते हैं। एक बिरहा गायन होता है, ये आपका बघेलखंड से जुड़ा हुआ है, माफ करिए बिरहा आपका बुंदेलखंड से है, बिरहा कहाँ से है, बुंदेलखंड से। इसमें क्या होता है कि सवाल जवाब शैली में गाया जाता है, सवाल किया जाता है, फिर आप देखेंगे फाग की बता ही चुका हूँ कि नगाड़ों पर फाग गायन होता है बुंदेलखंड में, हरदौल की मनाती ये भी काफ़ी एक तरह से प्रचलित है और बुंदेलखंड बघेलखंड में दोनों जगह ही मनाया जाता है और ये वीरता का गीत है, ठीक है। एक विदिशिया गायन होता है बघेलखंड में, जंगल या सुनसान जगह पर गाया जाता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये भी आप लोग ठीक है, और कुछ आपके और भी हैं इनमें भी आप लोग याद रख सकते हैं, जिसमें आप लोग देखते होंगे कि सोहर गीत हो गया, सोहर गीत आप जानते होंगे कि इस जन्म संस्कार से संबंधित है, सोहर गीत, ठीक है, तो ये आपका जन्म संस्कार से संबंधित है। बरुआ गीत, बरुआ गीत, ये आपका आप देखते हैं उपनयन संस्कार होता है उससे संबंधित है, ठीक है। और एक आप सुनते हैं बिहाव गीत, ये विवाह समारोह से संबंधित है आपका, ठीक है। पठौनी गीत, पठौनी गीत के बारे में सुनते हैं, तो ये संस्कार प्रधान सर्व प्रमुख लोक गीत पठौनी है, ठीक है, पठौनी गीत, हर जगह गीत ही गीत तो हैं। पहले आप देखते थे कि एक तरह से आपके घर में कोई आटा चक्की बड़ी वाली नहीं हुआ करती थी, हाथ वाली हुआ करती थी, महिलाएँ गाना गा रही हैं, अपना आटा निकालती जा रही हैं, समझ रहे। फाग गीत भी आप लोग जानते हैं, ये आप देखते होंगे बसंत ऋतु में गाया जाता है होली के आसपास, बारहमासी, और ये आप देखेंगे जेठ माह से प्रारंभ होकर इस ऋतु में गीत ऋतुओं की महिमा का बखान किया जाता है। एक होता है सवनारी गीत, ये भी आपका वर्षा ऋतु में गाया जाता है। धर्म उपासनाओं से संबंधित भी कई आपके गीत मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। एक आप देखते होंगे जवारा गीत, जवारा गीत, ये दुर्गा माता की आरती गाई जाती है इसमें, ठीक है। और गौरा गीत भी आप लोग सुनते होंगे, गौरा सेवा गीत, गौरा गीत, ये नवरात्रि में देवी माँ की स्त्रियों द्वारा गाई जाती है देवी माँ के लिए। एक माता सेवा गीत, माता सेवा गीत, तो इसके बारे में बात करूँ तो ये चेचक माता जो आप देखते हैं चिकन पॉक्स, उसी की शांति के लिए या उस रोग को ख़त्म करने के लिए एक तरह से इसे गाया जाता है। एक आप सुनते हैं भोजली या कजली, एक कब होता है, ये आप देखेंगे सावन माह में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला हरियाली गीत है। कार्तिक स्नान गीत, एक कार्तिक माह में आप देखेंगे कुंवारी कन्याओं द्वारा। एक होता है आपका पंडवानी गीत, पंडवानी गीत, तो इसमें आप लोग देखने को मिलेगा ये महाभारत में वर्णित वीरता कार्यों के ओजस्वी शैली में गाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। एक आपका होता है गम्मत गीत, क्या होता है गम्मत, गम्मत गीत, ये आप देखेंगे श्री गणेश महोत्सव के समय गाया जाता है। एक आपका ढोल की गीत होता है, ये महिलाओं द्वारा रामकृष्ण के लिए गाया जाता है। एक आप देखते हैं नगमत होता है, नगमत गीत, तो इसके बारे में बात करूं तो ये नाग पंचमी में गाया जाता है, ठीक है। कुछ मनोरंजन प्रधान भी गीत होते हैं, आप समझिए उस समय लोगों के पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं रहा होगा, तो लोग अपना गाना गा के मनोरंजन कर लिया करते थे। तो इसमें आप देखेंगे ददरिया गीत,
ददरिया गीत, ददरिया गीत की बात, ददरिया गीत की अगर हम बात करें तो ए आपकी सौंदर्य और श्रृंगार प्रधान ददरिया गीत लोक गीतों का राजा कहलाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा कि लोकगीत मतलब आप सोचिए लोक गीतों का राजा कैसे कहा जाता है, तो ददरिया गीत को। एक आपका ढोला मारू गीत होता है, ये क्या है, कितने गीत हैं आप सोचिए हमारी संस्कृति में क्या रहा है। ये आप देखेंगे राजस्थानी प्रेम गीत है जो मध्य प्रदेश में भी गाया जाता है। एक आपका नचौनी गीत, क्या हो नचौनी गीत, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यह विवाह विरह गीत है जिसमें प्रणय संयोग और वियोग दोनों की अवस्था में नारी का विरह वेदना गीत गाया जाती है। यानी कि सीधा सा कहें मतने मतलब होता है कि एक आप देते हैं ना कि आजकल दिल टूटता है, तो वियोग वियोग मतलब एक दूसरे से अलग होने का, ठीक है। फिर आप सुनते हैं, एक आप सुनते होंगे बांस गीत भी, ये क्या है, इसके बारे में बात करूं तो ये विभिन्न लोक कथाओं पर आधारित गीत है, ठीक है, और इसमें बांस के वाद्य यंत्रों को बजाकर गाया जाता है। एक आप सुनते हैं देवार गीत, इसमें क्या होता है, यह लोक कथा पर आधारित गीत है और देवार जाति के लोग इसे नाचते हुए गाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों के गीत भी हैं, आप समझिए बच्चों के लिए भी कुछ खेल खिलौना चाहिए, तो लोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि बच्चे को लोरी सुना दीजिए वो सो जाए। लोरी गीत ये माँ द्वारा शिशुओं को सुलाने के लिए गाया जाता है। एक शिक्षा गीत, आप समझ रहे हैं शिक्षा गीत, और इसमें देखेंगे माता पिता इस गीत के द्वारा बच्चों को लौकिक शिक्षा देते थे। एक खेल गीत इसमें आप देखेंगे बच्चों के खेलते समय गाते थे, ठीक है। और कुछ आप लोग और सुनते रहते हैं कर्मा गीत, इसमें आप देखेंगे कर्मा गीत में क्या होता है, इसमें आदिवासी महिला पुरुषों का सामूहिक गीत है। लोरी चंदिनी गीत, इसमें आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाता है। एक है आपका बैना गीत, ये आप देखेंगे देवी देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए एक तरह से ये गाया जाता है। संध्या गीत, ये कुंवारी लड़की कन्याओं द्वारा दीवार पर मिट्टी की संध्या देवी बनाकर सामूहिक गीत है। एक आपका डंडा गीत, तो पोष पूर्णिमा को गाया जाता है। इन सभी को याद नहीं रखना है, बस आप लोगों को एक नज़र डाल लेनी है, अगर क्वेश्चन आता है तो बाई चांस अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लें। पंथी गीत, ये सतनामी संप्रदाय का नृत्य प्रधान है, ठीक है गीत। एक आप सुनते हैं ककसार गीत, ये आप लोगों को बताऊँ तो भूरी आदिवासी लिंगादेव को प्रसन्न करने हेतु गाया जाता है। और एक सुआ गीत भी आप लोग सुनते हैं, दीपावली पर सुआ के लिए गाया जाता है। राउत गीत, ये आप देखेंगे कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ होता है, ठीक है। छेरछेरा गीत, ये माघ मास में या पूर्णिमा के दिन छेरछेरा पुण्य नामक त्यौहार गाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। कुछ आपके और बता देता हूँ, जैसे मालवा के रजवाड़ी हो गया, डंडा हो गया, मटकी हो गया, पतंग नाच हो गया। निवाड़ के बता देता हूँ, गणगौर, काठी, फिफरिया, मडल्या, आड़ाखाड़ा, डंडा नाच, ठीक है। बुंदेलखंड की बता देता हूँ, कानड़ा, नौटंकी, बधाई, राई, सहरा, ढिमराई, जवारा। बघेलखंड की बता देता हूँ, परधोनी, सेला, दादर, केहरा, कलसा, विरहा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपका ये नृत्य कहाँ से संबंधित है, लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, ठीक है। ये सभी लोक नृत्य हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों से याद रखिए। तो इसमें भी आप लोग क्वेश्चंस बन जाएंगे तो आराम से आप लोग एडजस्ट करके। राई आप लोग बुंदेलखंड में काफ़ी सुनते होंगे, राई हो गया, नौटंकी हो गया, ये सभी इसी क्षेत्र से संबंधित हैं। कुछ आपके जनजातियों के भी नृत्य हैं, आपके नृत्य तो इसमें आप देखेंगे गौर नृत्य हो गया, गेंडी नृत्य हो गया। गौर नृत्य है जो ये सिंह मारिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गेंडी नृत्य आप देखेंगे मुड़िया जनजाति के द्वारा। मांडरी नृत्य आप देखेंगे घोटुल समाज होता है उसके द्वारा। राउत नृत्य की बात करें तो ये भी आपका जनजातियों से जुड़ा हुआ गीत है। एक ककसार अगर हम लोग नृत्य की बात करें
नेत की तो ये मुड़िया आदिवासियों से, पंथी नेत की बात करें तो ये सत्य नामी जाति का नेत है, कर्मा की बात करें तो कर्मा नेत्य गीत कर्म देवता को रिझाने के लिए होता है, दशहरा या ददरिया ये बेगा आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है, भगोरिया ये भील जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, एक रीना नेत होता है ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे गोंड जनजाति होती है उनकी स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है, और आप देखेंगे भीलों द्वारा एक भंवाई गीत भी एक तरह से भवाई ये नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। तरताली ये देखेंगे कमार जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, गोल गधेड़ो नृत्य ये भी आपका भील जनजाति से संबंधित है, अहरी नृत्य ये ग्वालियर की यादव ग्वाला रावत 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 बरेडी जाति के द्वारा मनाया जाता है, एक होता है आपका परधोनी ये बेगा जनजाति के द्वारा, पर घोनी ये बेगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, लहंगी नृत्य ये लहंगी श्रावण मास में किया जाने वाला सहरियाई जो जाति होती है जनजाति उसके द्वारा, उल्की इसमें आप देखेंगे लड़की लड़कियां दोनों एक तरह से इसमें भाग लेती हैं उल्की में, थोपटी नृत्य ये भी आपका एक तरह से जनजाति नृत्य है, ठीक है। सेला नृत्य ये भी जनजातीय नृत्य है, और ये आप एक तरह से ये नृत्य आप देखेंगे प्रेम भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, ढोल ये नृत्य आप बात करें तो आप ये भी कोरकू आदिवासियों द्वारा, दुल घोड़ी ये राजस्थान का मूल नृत्य है लेकिन ग्वालियर गुना शिवपुरी में इस जगह ये काफ़ी होता है, एक भारिया भड़म शेतम नृत्य होता है ये भी भारिया आदिवासियों के द्वारा होता है, एक सरहुल नृत्य होता है सरहुल नृत्य एक किसके द्वारा उराव जनजाति द्वारा होता है सरी, एक पोल दहका तो ये आपको देखने को मिलेगा बघेलखंड में कोल जनजाति होती है उसके द्वारा नृत्य किया जाता है, गरबा डांडिया ये आप देखेंगे नेवाड़ में जो बंजारा जनजाति होती है उसके द्वारा दशहरे के अवसर पर किया जाता है, एक बिनकी होता है ये भोपाल के कृषक आदिवासियों का नृत्य है, गोचो ये वर्षा की प्राप्ति के लिए गोंड जनजाति के नृत्य है, टीना ये आप देखेंगे टीना तो ये आपका दीपावली के अवसर पर गोंड स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, गेंडी की बात करें तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आपका पाँव में घुंघरू एक फंसा नहीं लेते हैं गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है, रागिनी ये आपकी जो ग्वालियर की सभी जाति और जनजातियों के द्वारा इसे भी मनाया जाता है, ठीक है रागिनी। और एक आपका होता है डोहा नृत्य ये आप देखेंगे ये काफ़ी स्त्रियों का एक तरह से नृत्य है और भील नृत्य का गजरा भी कहलाता है ये, ठीक है भील जनजाति में काफ़ी, एक गरवी नृत्य होता है गरवी नृत्य तो ये भी आप देखेंगे भील जनजाति द्वारा गरवी नृत्य पित्त एवं प्रकृति पूजा के लिए होता है, एक आपका पूजा नृत्य होता है धार्मिक आस्था से प्रेरित यह नृत्य गोंड एवं उराव जनजाति के द्वारा होता है, ठीक है एक बेदरी पूजा होती है ये उराव जनजाति के द्वारा चैत माह में होती है, साल पूजा एक सार्वजनिक उत्सव का यह किया जाता है, ठीक है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। जनजातियों के कुछ लोक गायन भी हैं जिसमें आप ककसार पाटा हुलकी पाटा इन्हें वैसे अब आपका देख तो चुका हूँ फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, ककसार जो पाटा है ये मुंडिया आदिवासियों का, हुलकी घाटा ये आप देखेंगे ये भी आदिवासियों में होता है और इन्हें लड़की लड़का दोनों गाते हैं, बांस गीत ये भी आप देखेंगे जनजातियों से संबंधित है, पंडवानी गीत ये महाभारत आख्यान पर आधारित गोंड आदिवासियों का है, घोटुल पिथा ये भी बघेलखंड में गोंड जनजाति का है, गोंड जनजाति में होता है मुड़िया जनजाति में होता है, ठीक है ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। मध्य प्रदेश के कुछ आपके विशिष्ट लोक नृत्य भी हैं जैसे बधाई नृत्य हो गया ये आप देखते होंगे कि बुंदेलखंड में बधाई नृत्य बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर होता है, चटकोरा नृत्य ये आप देखेंगे कोरकू जनजाति का नृत्य है निबाड़ क्षेत्र में होता है,
एक टीना नृत्य पहले भी बता चुका हूँ, बेगा गोंड स्त्रियों का दीपावली है, विमला नृत्य बेगा जनजातियों का प्रेम प्रसंग आधारित है, भगोरिया हाट भीलों द्वारा किया जाने वाले नृत्य है, मटकी नृत्य ये आपका मालवा का एकल नृत्य है, गोचो नृत्य ये आप देखेंगे गोंडों द्वारा, बाल नृत्य एक कंवर जनजातियों आदिवासियों द्वारा, एक होता है आपका लहंगी नृत्य ये आप देखेंगे बंजारों और सहरिया लोगों द्वारा, परधानी परधोनी नृत्य ये विवाह अवसर पर बेगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है, एक होता है आपका कानरा नृत्य ये आपका आप देखेंगे कानरा बुंदेलखंड में जो धोबी समाज रहता है जातियाँ इसके द्वारा किया जाता है, फिर आप देखेंगे बरेदी नृत्य ये आपको देखने को मिलेगा ग्वालर और गुर्जिया जाति होती है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ आपकी बता देता हूँ मध्य प्रदेश के जो वाद्य यंत्र हैं इन्हें भी आप लोग याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चन अगर पूछे तो बता देना। तो आप लोग सुनते होंगे सिंगा बाजा, सिंगा बाजा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, तो ये मुख्य वाद्य यंत्र है इसका, और ये मनुष्य द्वारा आविष्कृत वायु ध्वनि पर आधारित पहला यंत्र है, और मृत जो पशु मर जाता है उसके सींग से निर्मित है, ठीक है, और जनजाति से गुदुम के नाम से भी जानती है। एक आपका होता है पुंगी या बीन, पुंगी बजाना आप लोग कहते हैं ना पुंगी बजा देंगे, बीन एक खोखले बांस के द्वारा दो समांतर पाइप से बनी होती है पुंगी, ठीक है। एक होता है आपका अन सिंगा इसके बारे में अगर बात करूँ तो ये क्या होता है, ये आपको देखने को मिलेगा कि अंग्रेजी के ऐसा आकार का आसिंगा तांबा पीतल चांदी का बना होता है। एक आपका मोहरी होता है, क्या होता है मोहरी, ये आप देखने को मिलेगा यह बांस से बना बांसुरी जैसा वेलनाकार यंत्र है जिसमें सात छेद आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सभी समुदायों में आपको प्रचलित भी है। एक आपका बांसुरी है, बांसुरी तो आप लोग सुनते होंगे मेले में जाते होंगे तो आप छोटे थे तब लाते भी होंगे, तो ये भी आपका बेलना खोखले बांस की बनी होती है और प्रत्येक संगीत का आवश्यक यंत्र भी है काफ़ी है। और एक आप हस्त वाद्य यंत्रों की बात करें तो इसमें आप लोग ढोलक देखते हैं, ढोलक सुनते हैं बजाते भी होंगे, तो ढोलक आप देखते हैं लकड़ी से निर्मित होता है बेलनाकार ढोलक, दोनों ओर आप देखते हैं कि चमड़े के कवर लगे रहते हैं और ऐसे पीटनर पर आप लोग देखते होंगे डम डम की आवाज़ आती है। एक ढोलकी होती है, ढोलकी ढोलक होती है और ढोलकी होती है, तो ये याद रखिए एक किस्म का ढोलक ही है जिसमें जिसे प्रायः महिलाएं ही बजाती हैं, ठीक है ये भी आप लोग। खंजरी होती है एक आपकी, ये क्या है खंजरी, इसे याद रखिए ये आपकी हाथ से लेकर चलने वाला अत्यंत छोटा ढोलक है, हैं और गायक हाथ से कमर पर टांग कर खंजरी को बजाता है, आप लोगों ने देखी भी होगी। एक माठल होता है आपका, ये क्या होता है माठल, ये होता है आपका ये जनजातियों में प्रयुक्त शंकु आकार का विशिष्ट ढोलक है, ये मिट्टी पर मृत बंदर की खाल लपेट कर एक तरह से बनाया जाता है। एक आपका टिमकी होता है, टिमकी जानते हो टिमकी, ये भी आपका होता है, तो एक गर्दन पर टांग कर बजाने वाला ढोल है, ठीक है। एक तबला होता है आपका, तबला आप लोग जानते होंगे तबला, ठीक है, तो ये आपका गोलाकार तबला, एक और तने चमड़े की खोल होती है और अंगलियों या फिर छड़ी से आप लोग एक ढोल की भांति से बजाते हैं। फिर आप देखते हैं कि स्वध्वनिक यंत्र होते हैं जिसमें आप लोग तबरी देखते हैं, और तबरी राज्य की जो जनजातियाँ होती हैं इनके द्वारा काफ़ी बजाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि खोखली डिस्क के दोनों लकड़ी की चिमटियाँ होती हैं जो डिस्क से टकरा कर आवाज़ निकालती हैं। एक आपका खिड़की होता है, खिड़की तो इसमें आप लोग देखेंगे खिड़की में क्या होता है, गौंड जनजाति के द्वारा इसे बजाया जाता है। एक ठिसकी होता है, ठिसकी तो इसमें आप देखेंगे त्रिभुजाकार स्वरूप की ठिसकी होती है जो लकड़ी के गोल टुकड़े टुकड़े होते हैं और ये वायर फ्रेम के चारों ओर घुमाए जाते हैं तब बनती है। एक आप लोग सुनते हैं मध्य प्रदेश में ही एक गेडी वाद्य यंत्र भी काफ़ी प्रचलित रहता है, एक बांस की दो बहुत लंबी स्टिक होती हैं और जिन पर नर्तक खड़े होकर नृत्य करते हैं। एक पेजनी, इसमें आप देखेंगे धातु जैसे चांदी हो गया इससे निर्मित खोखले घुंघरू होते हैं और इन्हें स्त्रियां पाँव में बांध के आपने देखा होगा, ठीक है। एक आप मुख्य तारा वाद्य यंत्र भी देखते होंगे, एक तारा के बारे में सुनते हैं
और ये अत्यंत महीन तार को ये खोखले गोले डिब्बे से बांधकर उंगली से बजाया जाता है, ठीक है। और तानपुरा, तानपुरा भी आप लोग सुनते होंगे, तो एक शास्त्रीय वाद्य यंत्र है जो बीड़ा से मिलता जुलता काफ़ी है, ठीक है। कुछ आपके मध्य प्रदेश के लोक चित्त भी, चित्त परंपरा को भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या क्या है इसे भी आप लोग देख लीजिए, अगर इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं तो आराम से आप लोग कम से कम सॉल्व करने की स्थिति में तो रहें, ठीक है। लोक चित्त कला, जैसे निवाड़ के, निवाड़ के चित्त, लोक चित्त की बात करें अगर हम लोग, निवाड़, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे जिरौती, हरियाली अमावस्या, नांगचित, नांग पंचमी के दिन, संजा पुली, कुंवार में, नवरत, नवरात्रि में, थापासिल, सप्तमी, मोरदन, दीपावली, दशहरा चित्रण, भाई दूज चित्त, इस तरह के चित्र भी बनाए जाते हैं मालवा में, आप देखते हैं, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। रंगोली भी बनाई जाती है मालवा में, सवनाही भी बनाई जाती है, ठीक है। हर तालिका के चित्र भी बनाए जाते हैं, देखता हो, देखा होगा। बुंदेलखंड में अगर हम बात करें बुंदेली चित्तों की, तो इसमें आप देखते होंगे चौक चित्त, चौक आप देखते हैं कि आटे के या फिर गेहूं के चाव या ज्वार के या चावल के आटे से एक तरह से बनाई जाती है। एक सुरैती भी आप लोग सुनते होंगे, लक्ष्मी पूजा के अवसर पर चित्त बनाए जाते हैं बुंदेलखंड में। और नवरात्रि के में आप देखते होंगे कुंवारी कन्याएं नौरता भी बनाती हैं, मौरते भी आप देखते होंगे विवाह के अवसर पर। बघेलखंड में अगर हम बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे कि एक तरह से कुहवर चित्त विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। तेलंगा चित्त भी बनाए जाते हैं कोयले और तितली के तेल से। छाटी चित्त भी बनाए जाते हैं, ये आपके देखते होंगे छाटी चित्त शिशु जन्म के 8वें दिन बनाए जाते हैं। नई उड़ान चित्त भी बनाए जाते हैं, नेवला होता है उसके द्वारा शिशु की रक्षा के लिए इसे एक तरह से बनाया जाता है। जनजातियों में भी आपके काफ़ी चित्र बनाए जाते हैं, चित्रकला होती है। इनमें आप देखेंगे गौंड हो गया, भील हो गया, बेगा हो गया, कोरकू हो गया, इनके द्वारा आप एक तो सबसे पहले आप देखते होंगे शरीर पर ही गुदना गुदवाय पिथा है इनके बीच। और नोहे डोरा ये आप देखते होंगे कि गौंडों के बीच विशेष, मतलब विशेष प्रचलित है, ठीक है। और आप लोग वैसे मध्य प्रदेश में भी चित्रकला की शैलियाँ भी देखते होंगे, प्रागैतिहासिक काल में आदमगढ़, भीम बैठका, मारा की गुफाएं, इसमें भी काफ़ी चित्रकारी मिलती है। मालवा शैली में भी आप लोगों ने देखा होगा बाघ गुफा हो गई जो गुप्त काल के आसपास बनवाई गई। बुंदेलखंड में आपने देखा होगा दतिया के राजा सुंगजीत सिंह ने जो राजस्थानी शैली को यहाँ प्रचलित करवाया। ग्वालियर शैली में आप देखते हैं तोमर शासकों ने इन्हें संरक्षण दिया, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ आपके प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखिए, इनसे अगर क्वेश्चंस आता है तो। एक तो आप लोग सुनते हैं क्या नाम है जनजाति प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार, इनसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है तो आप लोग जनगण सिंह श्याम, ये आदिवासी चित्रकार हैं श्याम। तो इनके बारे में बात करूं तो इन्हें प्रथम गौंडी चित्रकार होने का गौरव भी प्राप्त है, समझ रहे हैं आप लोग। और विधानसभा आप देखते हैं भवन पर इन्होंने ही चित्र उकेरे थे, विधानसभा भोपाल में आप लोग देखते होंगे। एक नाम और सुमेर सिंह गौंडी के बारे में अगर हम बात करें तो इनके बारे में पॉइंट क्या याद रख सकते हैं आप, हिंदू देवी देवताओं या फिर सूर्य चंद्रमा इनके चित्र इन्होंने बनाए हैं। एक आप सुनते हैं नर्मदा गौंड, क्या नर्मदा गौंड, तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो मंडला जिले के रहने वाले थे श्रीमती नर्मदा गौंड। इन्होंने भी विविध रंगों का उपयोग करते हुए कल्पनाशील चित्र बनाए, इन्होंने पशु पक्षियों के भी चित्र बनाए, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और वैसे भी मध्य प्रदेश की अगर हम लोग आधुनिक चित्रकारों की बात करें तो इसमें आप लोग एक नाम सुनते होंगे सैयद हैदर राजा का, ये काफ़ी अच्छे प्रसिद्ध रहे हैं हैदर राजा। इनके बारे में आप लोग याद रखिए, इनका जन्म बवरिया में हुआ था जो नरसिंहपुर में पड़ता है, ठीक है। और 1950 में फ्रांसीसी छात्रवृत्ति फाइन आर्ट्स अकेडमी द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी और वे पेरिस चले गए थे।
और फ्रांस सरकार ने आप देखेंगे 1953 में इन्हें पौदी प्रौदी लाक्रेटिक सम्मान से भी नवाजा था, और 1981 में भारत में भी इन्हें एक तरह से पद्मश्री भी दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखिए। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें सैयद राजा को रजा को कालिदास सम्मान भी दिया था। इनके अगर हम लोग चित्रों की बात करें तो अटल सुन्नी की अनंतता, बिंदु, अनसुनी आवाज, माँ, राजस्थान, सफ़ेद फूल, फर्टिलिटी, नांग, अंकुरण, स्पंदन, ये सभी इनके काफ़ी उल्लेखनीय चित्र रहे हैं, प्रसिद्ध चित्र। ठीक है, तो इनसे अगर इनके पूछ ले कि आपसे कि सोनी की अटल सोनी की अनंतता एक किसका चित्र था, तो आप लोगों को याद रखना होगा सैयद राजा का। ठीक है, एक आपका नाम सुनते होंगे आप लोग, विष्णु चिंचालकर। क्या है चिंचालकर, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये देवास के आसपास इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये इंदौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से पेंटिंग और ड्राइंग की शिक्षा ली थी। इन्होंने ही फ्राइडे ग्रुप भी बनाया था। 1960 में आप देखें वेनियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इन्हें शिखर सम्मान दिया था। ठीक है, और फिर आप देखेंगे देवयानी कृष्ण के बारे में भी आप लोग सुनते होंगे, देवयानी कृष्ण, इनके बारे में भी, इनके बारे में क्या पॉइंट याद रखना होगा, इनका जन्म भी आप देखेंगे इंदौर में ही हुआ था, और इनके गुरु के बारे में अगर पूछे कोई तो देवलाली करते हैं इनके गुरु। इन्होंने आप देखेंगे देवयानी कृष्ण ने तिब्बत सिक्किम में जो मुखौटा दृश्य इनका सुंदर अंकन भी किया था। ठीक है, एक नाम सुनते होंगे आप लोग, नारायण श्रीधर बिंदे। इनके बारे में क्या पॉइंट याद रखना है, इनका जन्म भी इंदौर में ही हुआ था, कब, 21 अगस्त 1910 को। ठीक है, और उन्हें चित्रकारी के क्षेत्र में आप देखेंगे एक तरह से इनके प्रारंभिक गुरु मार्गदर्शक रहे देवलाली दर, और इन्होंने भी काफ़ी चित्रों में जैसे मुक्ति, पटना आवास, दार्जिलिंग के चाय बागान में युक्ति, ग्राम जीवन, और कश्मीर की घाटी, नैनीताल की झील, उटकमंड, अमरनाथ, हिमाचल प्रार्थना सभा में गांधी जी, बुद्ध पूजा, स्टेशन पर दो यात्री, बसंत, उमर खयाम की रुवैया, ये सभी इनके प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, फिर एक नाम सुनते हैं आप लोग, देव कृष्ण जयशंकर जोशी। तो इनके अगर जन्म की बात करें तो 1911 में इनका जन्म होता है महेश्वर में, इन्होंने शिक्षा इंदौर से पाई। ठीक है, और याद रखिए इनके मार्गदर्शन रहे हैं देवलाली जी, और इन्होंने डिप्लोमा किया था जे स्कूल बम्बई से। इनके चित्रों की बात करें तो चूड़ियाँ खरीदती दुल्हन, लाल पगड़ी इनके काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, साप्ताहिक बाजार, गोरी त्यौहार, इन्हीं के चित्र हैं। तो इनसे क्वेश्चन आपके पूछे तो बता देना। ठीक है, एक आप लोग सुनते होंगे, एक नाम है आपका डॉक्टर मंजूषा गांगोली। अगर इनके बारे में हम बात करें तो इनका जन्म आप देखेंगे 5 नवंबर 1953 को होता है ग्वालियर में, 5 नवंबर 1953 को ग्वालियर में। ठीक है, इन्होंने नेशनल डिप्लोमा फाइन एंड आर्ट में इन्होंने एक तरह से हासिल की थी, और भोपाल, कोलकाता, पुणे सहित आप देखेंगे देश के 25 स्थानों पर एकल प्रदर्शनियां प्रदर्शित की इन्होंने, ये भी आप लोग याद रखिए। इन्हें सम्मान की बात करें तो अमृता शेरगिल सम्मान, कालिदास सम्मान, हैदर सम्मान, एक काफ़ी इन्हें मिले। एक आप सुनते हैं राजा राम के बारे में। ठीक है, तो इनका जन्म होता है 22 जनवरी 1943। कहाँ होता है,
इंदौर में ठीक है। और इन्होंने जो शिक्षा इंदौर से ही प्राप्त की, जेडी सहित बम्बई में चित्रकला सीखी, और ये बड़ौदा फाइन आर्ट्स के एमए के अध्यापक भी रहे हैं, और इटली सरकार ने इन्हें अध्ययन हेतु विशेष अनुदान भी दिया था। ग्रीक सरकार ने 1977 में शोध छात्रवृत्ति भी दी थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सभी चित्र प्रदर्शनियों को प्रदर्शित भी इन्होंने किया है, ठीक है। राजा राम, एक नाम सुनते हैं आप लोग, लक्ष्मी शंकर राजपूत के बारे में, इनसे कैसा क्या हाल है इनका, राजपूत जी, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड सुना है उसी के समय इंदौर में हुआ था इनका, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। इनका एक प्रसिद्ध चित्र काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, वर्षा आगमन। अगर आपसे पूछता है कि वर्षा आगमन किसका प्रसिद्ध चित्र था, लक्ष्मी शंकर राजपूत का, और इस पर इन्हें वरदा उकील पुरस्कार भी मिला था, और मध्य प्रदेश की झांकी पर भी इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग, तो काफ़ी एक तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, कहाँ से बन सकते हैं, आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मध्य प्रदेश के रंग कर्म के बारे में, मध्य प्रदेश के रंग कर्म इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, सबसे पहले आप लोग इप्टा के बारे में जरूर सुने होंगे, इप्टा सुने होगा नहीं, तो इप्टा 1943-44 में इप्टा भारतीय जन नाट्य मंच के गठन से रंगमंच को आप देखेंगे निश्चित दिशा मिलती है। शंभू मित्र, बलराज साहिनी, उत्पल दत्त, हबीब तनवीर जैसे ख्यात नाम हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, किससे, इप्टा से, ठीक है। फिर आप सुनते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो भारत में रंगमंच से संबंधित आपके विभिन्न क्षेत्रों में एक तरह से इनका भी 1963 में नई दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगकर्म प्रशिक्षण की शीर्ष संस्था भी रही है, और रविंद्र भवन आप भोपाल में देखते हैं ना, और इसकी स्थापना के साथ ही मध्य प्रदेश में भी काफ़ी हलचल हुआ है। और मध्य प्रदेश के अगर रंगकर्मियों की बात करें तो इसमें हबीब तनवर का नाम आप लोग काफ़ी सुने होंगे, हबीब तनवीर, तो इनकी अगर बात करें हम लोग, इनका जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था, और 1943-44 में इप्टा का गठन हुआ, और इसी से आप देख सकते हैं कि जुड़े थे तनवीर। 1954 में उन्होंने आप देखेंगे हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना भी की थी, किसने, हबीब तनवीर ने, ठीक है। फिर आप देखेंगे मिच कटिकम हो, चरणदास चोर हो, माटी की गाड़ी हो, आगरा बाजार हो, ये इनके काफ़ी प्रसिद्ध नाटक भी रहे हैं, किनके, हबीब तनवर के। और 1972 में आप देखेंगे हबीब तनवर को राज्यसभा के लिए चुना गया था, और राज्यसभा के सदस्य आप जानते हैं कि विधायक चुनते हैं आपके राज्यसभा सदस्य के सदस्यों को। इन्हें आप देखेंगे 1984 में एक तरह से इन्हें मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान भी मिला था, ठीक है, और सन 2000 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था, सन 2002 में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक नाम सुनते हैं वा कारंत, आप समझ रहे हैं, बड़ा अच्छा नाम है। तो इनके जन्म की बात करें तो ये आप देखेंगे 1982 में भोपाल में भारत भवन के रंग मंडल के निर्देशक के रूप में श्री कारंत नियुक्त किए गए थे, और इन्होंने ग्रीस कर्नाट के साथ वंश व्यक्त के पुरस्कार भी मिला था, भारत सरकार द्वारा इन्हें आप देखेंगे पद्मश्री भी दिया गया था। एक आप सुनते हैं बाबा डीके, तो बाबा डीके के बारे में अगर बात करूं तो इनका जन्म 7 जून 1919 को हुआ था, कहाँ, नीमच में, ठीक है। और इन्होंने शुरुआत में ही अकाल तांडव के लेखन से इन्होंने की थी शुरुआत,
1942 में आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग भी लिया और जेल भी गए थे, समझ रहे हैं। और लगभग आप देखेंगे 75 नाटकों के 200 से अधिक प्रदर्शन बाबा डीके के निर्देशन में हुए हैं। और उन्होंने आप देखेंगे 1975 में नाट भारती की स्थापना भी की थी, और यह प्रशिक्षण शाला लिटिल थिएटर के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। ये भी आप लोग एक नाम सुनते हैं आप लोग, सेठ गोविंद दास, तो इनसे क्या पूछेगा आपसे, गोविंद दास, ठीक है। तो इनके जबलपुर निवासी थे सेठ गोविंद दास, और आप जानते हैं प्रसिद्ध गांधीवादी और स्वतंत्रता संग्रामी नेता भी रहे हैं, और इन्होंने जबलपुर में ही रंग शुरुआत की थी रंग कर्म की, ठीक है। एक राजीव वर्मा के नाम भी सुनते हैं, राजीव वर्मा साहब, तो आपको बता दूं भोपाल के निवासी थे और इन्होंने अनेक धारावाही एवं फिल्मों में काम भी किया है। एक नाम सुनते हैं अलख नंदन, इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म 1948 में हुआ था, यानी कि आज़ादी के एक साल बाद। ये नाटककार, अभिनेता, नाट संगठक, कवि के रूप में ख्यात मान रहे, नट बुंदेले के निर्देशक भी रहे हैं, ठीक है। एक आप नाम सुनते होंगे विभा मिश्र, तो आपको बता दूं 1998 में इनका जन्म होता है लखनऊ में, और इन्होंने दिल्ली से स्नातक भी की थी, और पिछले 9 वर्षों से भारत भवन के रंग मंडल में वरिष्ठ अभिनेत्री के एक तरह से हैसियत से काम कर रही है, ठीक है। एक नाम सुनते होंगे बंसी कौलकावा, आप लोग बंसी कौल, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1949 को, यानी कि आज़ादी के 2 साल बाद। स्टेज क्राफ्ट में विशेषज्ञता इन्होंने हासिल की थी, ठीक है, आप समझ रहे हैं। और एक आप नरहरी पटेल, एक नरहरी कलेक्टर आप देखते थे ग्वालियर के, कुछ समय रहे फरेंदौर, उन्हीं की नहीं बात कर रहा हूँ, ये दूसरे हैं, नरहरी पटेल। तो इनका जन्म 2 जनवरी 1934 को होता है रतलाम जिले में, और ये इंदौर में जन नाट्य संघ और यवनिका के माध्यम से 40 वर्षों से लोक मंच गायक के रूप में उपस्थित रहे हैं। एक आप सुनते हैं अनवार सिद्दीकी, इसके बारे में क्या याद रखना है, सिद्दीकी, ठीक है। अनवार सिद्दीकी ने अनेक नाटकों में भाग लिया है और निर्देशन भी किया है, ठीक है। ये भी आप लोग, अगर आपसे पूछे लोक नाट्य के बारे में पूछे, एक तो आपसे क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है, मध्य प्रदेश राज्य नाट्य स्कूल के बारे में भी क्वेश्चन पूछे आपसे, तो याद रखिए राष्ट्रीय नाट्य स्कूल की तर्ज पर मध्य प्रदेश शासन ने 8 जुलाई 2011 को मध्य प्रदेश में भोपाल में एक मध्य प्रदेश नाट्य स्कूल खोला था, और यह रंगमंच रंग कर्म में 2 वर्षीय कोर्स कराता है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि मध्य प्रदेश राज्य नाट्य स्कूल कहाँ है, तो भोपाल में इसे 8 जुलाई 2011 में खोला गया था, ठीक है, याद रखिए। लोक नाट्य की अगर बात करें तो इनसे भी आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं, लोक नाट्य, तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्यों में। इसमें आप लोग माच सुनते हैं, माच जिसे माचा भी कह देते हैं, माच, इसके बारे में अगर बात करें तो मालवा का यह प्रतिनिधित्व नाट्य है, और आप देखेंगे रात्रि के प्रथम प्रहर से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। हीर मांझा रांझा नल दमयंती जैसे कहानियों को आधार बनाया गया है। माच के प्रणेता उज्जैन के बाल मुकुंदरी माच के वाद्यंत्र डोलक सारंगी है। पर एक आप सुनते हैं स्वांग, तो इसकी अगर बात करूं तो स्वांग में आप स्वांग का अर्थ होता है नाटक या नकल। बुंदेलखंड में प्रत्येक अवसर पर विशेष के लिए स्वांग आयोजित होता है, जैसे होली स्वांग, नवरात्रि स्वांग, बच्चों के स्वांग, ठीक है। एक आपका नौटंकी, ठीक है, इसमें आप बात करें तो ये भी आपका बुंदेलखंड में ही काफ़ी प्रचलित रहा है, ये भी आपका एक तरह से समझ सकते हैं कि
पुराणों से जुड़ा हुआ है, धार्मिक से जुड़ा हुआ है, भक्त प्रहलाद ध्रुव, एक कठपुतली के बारे में भी सुनते होंगे। इसमें क्या होता है कि पर्दे के पीछे से आप लोग देखेंगे कठपुतली, पर्दे के पीछे से कलाकार बिना सामने आए पुतलों के प्रतीकों से किसी कहानी या गाथा का प्रदर्शन करता है, ठीक है। ये आप सुनते होंगे दस्ताना पुतली, धड़ पुतली, सूत संचारित पुतली, छाया पुतली। एक होता है आपका गंबत, गम्मत। तो इसके बारे में अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है नाटक, और निवाड़ में काफ़ी ये प्रचलित भी है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। इसमें आप देखेंगे झांझ हो गया, मादर हो गया, ढोलक हो गया, हारमोनियम हो गया, तबला, इन सब का प्रयोग किया जाता है। एक आप सुनते हैं रासलीला, रासलीला, रासलीला के बारे में सुने हो, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मनुष्य मुख्य रूप से निवाड़ में ही एक कृष्ण जन्माष्टमी पर रासलीला का आयोजन होता है, ठीक है। एक आप सुनते हैं जिंदवा, क्या है जिंदवा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये भी बघेलखंड की महिलाओं का नाट्य है, ठीक है। इसमें अश्लीलता की कोई सीमा रेखा नहीं है, आप समझ सकते हैं, इसे बहलोल भी कहा जाता है। एक आप सुनते हैं मनसुखा, मन सुखा, ठीक है। ये भी आप देखेंगे मनसुखा भी आपका बघेल संस्करण है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे मनसों को और गोपियों के मध्य नोक झोंक छेड़छाड़, इसकी मुख्य विषय वस्तु है। एक आप सुनते हैं खम्भ स्वांग, एक तो खम्भ स्वांग देखा था और एक स्वांग केवल एक, और ये है आपका स्वांग, खम्भ स्वांग, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोरकुओं का खम्भ स्वांग मेघनाथ की पूजा के अवसर पर किया जाता है, कोरकू जनजाति, सुनते हैं। एक आपका होता है छाहुर, क्या है छाहुर, ये आपका बघेलखंड का लोकनाट्य है, दीपावली से गोप अष्टमी तक होता है, अजीत अहीर तेली कुम्हार जातियों के लोग, ठीक है। एक आपका रागनी, क्या रागनी, तो इसमें आप देखेंगे रागनी की बात करें तो ये ग्वालियर अंचल का लोकनाट्य है, ठीक है। और ये रागनी लोकनाट्य सभी जातियों के द्वारा मनाया जाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी जाति द्वारा मनाया जाता हो, ठीक है। एक होता है आपका भवाई, भवाई की बात करें तो ये भी झाबुआ के आसपास प्रचलित भवाई मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है। और याद रखिए एक है आपका हिंगोला, हिडोला नहीं हिंगोला, इसके बारे में अगर बात करूं मैं तो ये मंच रहित एक सरल नाट्य हिंगोला वस्तु है, दो दलों के बीच आप देखेंगे गीतों से भरी नोक झोंक एक तरह से होती है इसमें। एक आपका होता है लकड़ बघा, लकड़ बघा, इसमें क्या होता है लकड़ बघा में आप लोग देखेंगे ये विवाह के बाद मंच पर खेला जाता है, इसमें लड़की को लगभग लकड़ बघा उठा ले जाता है, फिर आप देखेंगे लकड़ बगों को युवक आकर तीर से घायल करता है, फिर घायल लकड़ों की एक तरह से लड़की सेवा भी कर, इसी तरह का है। एक आप देखेंगे नौटंकी, ये आपका कहाँ बघेलखंड और बुंदेलखंड में होता है दोनों जगह नौटंकी, लेकिन विशेषता आप देखेंगे बुंदेलखंड बघेलखंड में काफ़ी प्रचलित है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग लोक शिल्प के बारे में, मध्य प्रदेश के लोक शिल्प, इनसे भी आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं, इनके बारे में भी बता देता हूँ। मिट्टी शिल्प के बारे में आप लोग सुनते होंगे, टेराकोटा के बारे में ज़रूर सुनते होंगे, ठीक है। तो ये आपका झाबुआ मंडला बैतूल आदि के क्षेत्र में मिट्टी शिल्प होती है, ठीक है, ये भी आप लोग। इसमें आप देखेंगे पुनिया और मंडला जिले में निवास करने वाली पुनिया और अहरियाई जनजातियाँ टेराकोटा शिल्प होती हैं, इसमें बड़ी देवी फुलवारी देवी की प्रतिमाएँ भी काफ़ी सिद्ध रहती हैं। एक आप सुनते हैं काष्ठ, काष्ठ शिल्प, तो ये आदिम समूहों में सभी काष्ठ विभिन्न रूपांकर क्यों करा जाता है, इसमें कोरकू जातियाँ काफ़ी इन्हें करती हैं, ठीक, भेगा जनजाति में भी है। एक आप सुनते हैं खरात कला,
खरात कला के बारे में। तो इसमें बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर कला हो गया, बुधनी घाट, रीवा, मुरैना, इसमें काफ़ी प्रचलित है। और वैसे तो ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सगौनी, दूध, खेर, मेडला, सरई कदम की लकड़ियों पर खराद की जाती है। एक आपका गुड़िया शिल्प होता है, गुड़िया शिल्प, इसमें आप देखें कि नई पुरानी रंगीन चिंदियों और कागज़ों से गुड़िया बनाने की प्रथा होती है। ठीक है, झाबुआ तो आप देखते हैं भीली गुड़िया का केंद्र बना हुआ है, और झाबुआ की भीली गुड़िया काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। और यहाँ एक श्रीमती बत्तोबाई गुड़िया शिल्प की श्रेष्ठ कलाकार भी हैं, इनके बारे में भी नाम याद रखना है। और गुड़िया बनाने की परंपरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सदियों पुरानी है, बहुत पहले की, यह भी आप लोग याद रखिए। एक बांस शिल्प भी होता है, बांस शिल्प, ये भी आप देखें कि मध्य प्रदेश में बांस बहुतायत होता है, बांस के पेड़ होते हैं ना। और झाबुआ मंडला की जनजाति एक तरह से बांस के शिल्प का अत्यधिक निर्माण करती हैं, बालाघाट इसका प्रमुख केंद्र भी है। फिर आप देखते हैं पत्ता शिल्प, पत्ता शिल्प की बात करें तो आप देखते होंगे कि राज्यों में पेड़ पौधों से मिलने वाले विभिन्न पत्ते भी होते हैं, इनकी उपयोग वस्तुएं उपयोगी बनाई जाती हैं, जैसे खिलौने, चटाई, आसन, दूल्हा दुल्हन की मोड़, इस तरह के बनाए जाते हैं ना। आप लोग खाना खाने जाते थे तो पत्तल किसकी हुआ करती थी, वही। एक आपका छीपा शिल्प होता है, छीपा शिल्प, ये भी आप देखेंगे कपड़े पर हाथ से बनाया जाने वाला छीपा शिल्प है ये। उज्जैन आप देखेंगे कि छीपा शिल्प का केंद्र है, और उज्जैन का जो छीपा शिल्प है इसे भैरवगढ़ के नाम से भी आप लोग जानते हैं। बाघ पेंट, आप बाघ तहसील धार की वस्त्र पेंटिंग कला है, ये भी आप लोगों आदिवासियों में काफ़ी प्रचलित है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। एक आपका होता है पिथौरा भित्तिचित्र, पिथौरा भित्तिचित्र, भित्तिचित्र, तो आपको बताऊं ये झाबुआ की भित्ति चित्रकारी का नाम पिथौरा है। ठीक है, इसमें घोड़ों का चिंतांकन होता है, और ये भील जनजातियों में काफ़ी एक तरह से प्रसिद्ध भी है। एक आपने नाम सुना होगा पेमा फत्या भील, एक मुख्य चित्रकार रहे हैं। एक आपका होता है पिस्तर शिल्प, पिस्तर शिल्प, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा उज्जैन के मंदसौर और रतलाम, इसके मुख्य केंद्र भी हैं। ठीक है, यहाँ काफ़ी देखने को मिलेगा। भेड़ाघाट में आप देखेंगे संगमरमर की और ग्वालियर में पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाने का केंद्र हैं इसमें। एक आपका लाख शिल्प, लाख शिल्प, इसमें आप देखेंगे वृक्ष के गोंद या रस से लाख बनाई जाती है। ठीक है, और इसमें उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर और महेश्वर लाख शिल्प के परंपरागत केंद्र भी हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। महेश्वर की साड़ियाँ भी आप लोग देखते होंगे काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिस तरह से आप लोग देखते हैं बनारसी साड़ी प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से भी प्रसिद्ध हैं महेश्वर की साड़ियाँ। और महेश्वर की साड़ियों की प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें चौखाला, चौकड़ी, कलात्मक किनार, मनमोहक पल्लू, हल्के गहरे चमकदार चांदी स्वर्णिम रंगों में जरी रेशम की सेहत कर की कढ़ाई होती है। और आप जानते हैं इसका श्रेय जाता है प्रसिद्ध शासिका हुआ करती थी अहिल्याबाई। और यहाँ आप लोगों को सस्ती से सस्ती साड़ी भी मिल सकती है और महंगी से महंगी भी मिल सकती है, कितनी भी महंगी, आप समझ सकते हैं कितनी भी महंगी का मतलब, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप लोग चंदेरी की साड़ियों के बारे में भी काफ़ी सुनते होंगे, यहाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं चंदेरी की साड़ियाँ। इनके बारे में अगर बात करूँ मैं तो इसमें भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, रेशमी और सूती दोनों तरह की यहाँ साड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, ये काफ़ी चित्र भी मिलते हैं, जैसे बेल बूटे, मोर बतख के चित्र भी साड़ियों पर। और नाल फेरना ये चांदी चंदेरी साड़ी निर्माण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, एक आप सुनते होंगे भरेवा शिल्प, भरेवा शिल्प, इसके बारे में अगर बात करूं मैं तो ये आप देखेंगे बैतूल के आदिवासियों द्वारा धातु से दैनिक उपयोग की जो कलात्मक वस्तुएं होती हैं या फिर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। एक आप सुनते हैं पीतल शिल्प, पीतल शिल्प, तो इसमें आप देखेंगे पीतल या तांबे से नरसिंहपुर जिले में आप देखेंगे काफ़ी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, डेचकी, गंज, परात, इस तरह के सामान बनाए जाते हैं। धातु शिल्प,
तो इसमें आप लोगों ने देखेंगे सतना के उच्चे हरा कस्बे में काशी से प्रसिद्ध बटो लोही नामक पात्र भी बनाए जाते हैं। एक सुपारी शिल्प, सुपारी आप लोगों ने देखी है, इस पर भी आप लोगों ने देखा होगा चित्र बन जाते हैं सुपारी पर, नाम भी लिख जाते हैं। तो ये रीवा में सुपारी पर मूर्तियां बनाने की काफ़ी चर्चा रहती है, तो मूर्तियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। एक आप लोग सुनते हैं खिलौना शिल्प, खिलौना शिल्प, तो इसके बारे में बात करूँ सीहोर जिलों की, जिले की जो बुधनी तहसील है ना, एक काष्ठ कला कृतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। कुछ आपके ये भी बता देता हूँ मध्य प्रदेश के कुछ, आप समझिए एक तरह से मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों के बारे में भी बता देता हूँ, अगर इनसे क्वेश्चन आए अगर तो आप आराम से सॉल्व करने की स्थिति में पहुँच सकें। एक आप नाम सुनते हैं इसमें साहित्यकारों में, संत सिंगा जी का सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, सिंगा जी, इनके बारे में अगर आपको बताऊं पॉइंट याद रखने लायक, तो ये आप देखेंगे इनका जन्म हुआ था एक तरह से बड़वानी में। ठीक है, और ये बात है संबत 1571 के आसपास की। ठीक है, इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें, और आप जानते हैं कि बड़वानी में प्रतिवर्ष मेला भी लगता है इनकी समाधि पर, सिंगा जी के गांव के रूम में इनका जो समाधि स्थल है उसे कहने लगे। इनकी रचनाओं की बात करें तो कबीरदास के समकालीन इन्हें माना जाता है, और ये सखियां गाते थे। ठीक है, 7 बार 12 मासी निवाड़ी बोली में, 15 तिथि दोष बोध नरद शरद इनकी इन्होंने ही रचे थे निवाड़ी बोली में। और इन पर आप देखेंगे उनके शिष्य थे खेमदास, इन्होंने उनके जीवन परिचय पर परचुरी की रचना की थी। ये आपकी जो संत सिंगा जी हैं इन्हीं के जीवन से संबंधित है। और एक आपने सुना होगा कि राम परिहार ने उनके जीवन पर ये एक कहे जग जन सिंघा, ये भी इन्हीं ने लिखी थी। किसने? राम परिहार ने। ठीक है, इन्हीं के जीवन पर। एक आप नाम सुनते हैं जगनिक के बारे में, जगनिक, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे इनका जगनिक का जन्म होता है एक तरह से संबत 1230 की बात है। और आप जानते हैं कलिंजर नरेश जो परिमल देव थे ना, इनके दरबार में भी ये कवि भी रहे हैं और ये योद्धा भी थे, आप समझ रहे हैं। और इनकी अगर बात करें तो इन्होंने परिमल रासो और आलाखंड इन्हीं ने लिखी, और आप जानते हैं कि आलाखंड को सर्वप्रथम एलियट महोदय ने लिपिबद्ध किया था, और मुंशी राम स्वरूप ने इन्हें हिंदी में अनुवादित किया था आलाखंड को। ठीक है, और आलाखंड में आप जानते हैं कि आला उदल के सौर की एक तरह से कहानी लिखी गई है। और याद रखिए विश्व की सबसे लंबी लोक कथा की अगर बात करें तो आला है, ये भी आपसे अगर पूछे तो आलाखंड है। ठीक है, फिर एक नाम आप लोग और सुनते हैं, ईसुरी, इनका नाम भी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, तो संबत 1898 की बात है, मऊरानीपुर झांसी सुनते हैं, यहीं इनका जन्म हुआ था। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो एक और इनकी बड़ी देन है, भाग जो आप लोग मनाते हैं ना इन्हीं की देन है। ठीक है, और कुछ आपके इनसे जुड़े हुए हैं, कृष्णानंद गुप्त ने ईश्वरी की फागें, पंडित गौरी शंकर द्विवेदी ने ईश्वरी विकास, लोकेंद्र सिंह नागर ने ईश्वरी सत्सई, यही साथ एक साहित्य लिपिबद्ध किए। एक नाम सुनते हैं आप लोग घाघ दुबे, घाघड़ी को घाघ दुबे, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो संबद्ध इनका 1753 के आसपास इनका कन्नौज के निकट जन्म हुआ था, और इन्हें आप लोग कृषि पंडित के नाम से भी जानते हैं, आप समझ रहे हैं। तो आपसे अगर पूछे कृषि पंडित किसे कहते थे तो घाघ दुबे को।
और आपको बता देता हूँ इनकी कविता ज्योतिष और नीति में काफ़ी अच्छा इनका गान रहा है। और घाघ ने किसी को सर्वोत्तम व्यवसाय घोषित किया था, ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। प्राचीन साहित्यकारों की अगर बात करें तो इसमें आप देखते होंगे, एक तो सबसे पहले आप कालिदास का नाम सुनते होंगे, किनका, कालिदास जी का। कालिदास कह गए कि कौन कह गए, कबीरदास कह गए। कालिदास के बारे में बात करूं तो इनके जन्म के बारे में कोई एक तरह से पक्के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा उज्जैनी के जो राजा था विक्रमादित्य, इनके नवरत्नों में से एक थे आपके कालिदास, ठीक है। और एक कुछ समय के लिए सुंग के दरबार में भी ये रहे हैं, अग्निमित्त सुंग शासक था उनके, तो याद रखिए, ये भी याद रखना है। इनकी उपमाओं की बात करें तो आप सभी जानते होंगे, महाकवि भी इन्हें कहा जाता है, कवि कुल गुरु भी कहते हैं, कविता कामिनी विलास भी इनका उपमाएं इन्हें दी गई। रचनाओं की बात करें तो कुल 7 रचनाएं उपलब्ध हैं इनकी, 2 तो आप देखते हैं महाकाव्य हैं, इसमें महाकाव्य में 2 महाकाव्य में एक तो रघुवंश और दूसरी आपकी कुमार संभव, रघुवंश और एक है आपकी कुमार संभव, इनके 2 महाकाव्य हैं, ठीक है, कुमार संभव, ठीक है। इनको आप लोग याद रखिए, इनसे कई बबार क्वेश्चंस बन चुका है। और इनके 3 नाटक हैं, कौन कौन से हैं, एक तो इनका पहला नाटक है मालविकाग्निमित्त, ठीक है, दूसरा है इनका अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, तीसरा है विक्रमोवंशीय, ठीक है, विक्रमोवंशीय, ठीक है। इनके 2 काव्यखंड भी हैं, कौन कौन से हैं 2 काव्यखंड, एक तो है इनका ऋतु संहार और दूसरा है इनका मेघदूत, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और जो मालविकाग्निमित्त है ना, इनकी पहली रचना ही मानी जाती है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे मालविकाग्निमित्र एक सुंग राजा हुआ करते थे अग्निमित्त, और मालविका की प्रेम कहानी यानी कि प्रेम प्रसंग से संबंधित है, समझ रहे हैं, वही प्रेम प्रसंग, लेकिन फर्क रहा होगा आज की प्रेम उस समय की प्रेम में, ठीक है। और आप जानते हैं कि भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। एक नाम और सुनते हैं आप लोग, कवि भर्तृहरि, इनके बारे में भी काफी सुनते रहते होंगे, ये उज्जैनी के राजा भी रहे हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। और माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे ना, इनके बड़े भाई थे, ठीक है, जो इनके यानी कि कहने का मतलब कि उज्जैन के जो राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे कि बड़े भाई थे इनके, ठीक है, भर्तृहरि इनके बड़े भाई। और कहा जाता है कि 12 वर्ष सालों तक इन्होंने उज्जैन में एक तरह से शासन भी किया है, फिर आप देखेंगे बाद में ये अपने छोटे भाई को अपना एक तरह से ये जो भी सिंहासन रहा है विक्रमादित्य को देकर सन्यासी बन जाते हैं। इन्होंने फिर आगे चल के गोरखनाथ से दीक्षा लेते हैं और इन्होंने चुनार उत्तर प्रदेश में साधना की और सरिस्का राजस्थान में इनकी समाधि देखने को मिलेगा। इनकी रचनाओं से क्वेश्चन आपके पूछते हैं, त्रिशतक की बात करें तो इसमें आप लोग नीति शतक भी देखते हैं और श्रृंगार शतक भी देखते हैं, ठीक है, और एक आप देखते हैं श्रृंगार शतक भी और एक है आपका वैराग्य शतक, इन 3 को भी राग याद रखिए इन्हीं की हैं। और अन्य ग्रंथों की बात करें तो वाक्पदीय हो गया, वाक्पदीय वृत्ति हो गया, भाग्यवृत्ति, महाभास्त्रपदी, महाभाष्य दीपिका, शब्द धातु समीक्षा, मीमांसा सूत्रवृत्ति, वेदांत सूत्रवृत्ति, इन्हीं की रचना है, ठीक है। और भर्तृहरि को भट्टी काव्य की रचना का भी श्रेय दिया जाता है, लेकिन इस पर एक तरह से जंग छिड़ी हुई है, विवाद बना हुआ है, ठीक है। एक नाम सुनते हैं आप लोग भवभूति के बारे में भी सुनते होंगे, भवभूति, इनके बारे में मैं बात करूं तो भवभूति के बारे में तो ये पदमपुर के निवासी हुआ करते थे। इनके मूल नाम की बात करें तो श्रीकंठ था इनका मूल नाम, समझ रहे हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और इनकी रचनाओं की बात करें तो मालती हो गया, मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तम रामचरितम, इनकी काफ़ी एक तरह से प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक है। फिर एक नाम सुनते हैं आप लोग बाणभट्ट,
इनकी रचनाओं को याद रखिए, क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे और बनते आए हैं। तो ये पश्चिम बिहार के किसी गांव के रहे हैं, ठीक है। और इनकी रचनाओं की बात करें बाणभट्ट की, तो आप जानते हैं कि हरिश्चरितम हो गई इनकी रचना, कादंबरी हो गई इनकी रचना, मुकुट मुकुट तादी तक हो गई। और अन्य ग्रंथों की बात करें तो इसमें चंडी शतक, पार्वती शतक, पार्वती परिणय, इन्हीं की एक तरह से रचनाएं हैं। कादंबरी जो आप देखते हैं ना, ये विश्व का प्रथम उपन्यास है। और आप देखेंगे कादंबरी का अधूरा लेखन बाणभट्ट के द्वारा किया गया था, पूरी नहीं हो पाई थी। उनके बाद उनके भूषण भट्ट उनके बेटे आते हैं, उन्होंने इसे पूरा किया था। तो अभी ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना रहती है। समझ रहे हैं आप लोग? अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्यकालीन साहित्यकारों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आप लोग नाम सुनते होंगे एक किसका, आचार्य केशव का। और इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका, आचार्य केशव दास होना चाहिए था इनका नाम, आचार्य केशव। इनके बारे में क्या पॉइंट आपको याद रखना होगा? एक तो सबसे पहले आप लोग यही याद रखिए कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1555 में। कहाँ हुआ था? जो आजकल आप लोग ओरछा सुनते हैं, निवाड़ी जिले में आने लगा, वहीं हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना। और ये कुछ समय के लिए एक राजा इंद्रजीत हुआ करते थे, इंद्रजीत सिंह, उनके दरबार में भी रहे हैं, ठीक है। और इन्हें याद रखिए, कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए। आपसे पूछ लेगा सामान्यता कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता था, तो आचार्य केशव को, ठीक है। दूसरे, अगर इनकी रचनाओं के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि रचनाओं से ज़्यादा इनके क्वेश्चंस आएंगे, रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाओं में आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो है आप इनकी रसिक प्रिया, दूसरी है कवि प्रिया, ठीक है। उसके बाद याद रखिए, ये दोनों मुक्तक हैं। एक है इनकी रामचंदिका, ठीक है। और एक इनकी है बीर सिंह देवचरित, ये भी आप लोग याद रखिए। और एक है इनकी विज्ञान गीता, एक है इनकी रतन बावनी, और एक है इनकी जहांगीर रसचंदिका और नक्षिक वर्णन राम अलंकित मंजरी। फिर से आप लोग सुन लीजिए, इनकी पहली है इनकी रसिक प्रिया, फिर आप दूसरी याद रखना है कवि प्रिया, रामचंदिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर रसचंदिका, नक्षिक वर्णन राम अलंकित मंजरी, ठीक है। ये सभी किसकी है? आचार्य केशव की रचनाएं। फिर अगले कवि हैं आपके भूषण साहब, बच के रहना भूषण साहब से। इनसे क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना, इनका नाम ज्ञात नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग, इन्हें भूषण की उपाधि दी गई थी, उसी से ये लोग बने रहे। और छत्रपति जो शिवाजी आप लोग सुनते हैं, और राजा छत्रसाल के उसी समय के आसपास माने जाते हैं, ठीक है। और इनका एक नाम घनश्याम दास भी बताया जाता है, घनश्याम, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए। इनसे क्वेश्चंस आपका बन सकता है कि आखिर इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी रचनाओं में बात करें तो एक है इनकी शिवराज भूषण, इनकी एक है आपकी इनकी शिवा बावनी, ठीक है। फिर इनकी छत्रसाल दशक, उसके बाद आप देखेंगे इनकी भूषण उल्लास और भूषण हजारा, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना। फिर से बता देता हूँ, भूषण की कौन कौन सी रचनाएं हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा। मुझे लगता है कि ये आराम से बनी रहेंगी। एक तो इनसे भूषण आप लोगों को लगा हुआ दिखाई दे रहा है,
दो में आप देखेंगे सिवावा बावनी भी इनकी है और छत्रसाल दशरथ की भी है, ठीक है। एक कवि हुए आपके पद्माकर, पद्माकर इनके बारे में क्या पॉइंट याद रखना है? पद्माकर के बारे में बात करें, इनका जन्म सुनते हैं कि 1753 में होता है, हम लोग तो उस समय नहीं थे ना, इसलिए सुनते ही है, ठीक है। और सागर के आसपास इनका जन्म हुआ था। और इनका मूल नाम की अगर बात करें तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, मूल नाम क्या था, तो प्यारे लाल था, ठीक है। और पद्माकर साहब सितार वादक थे, जयपुर ग्वालियर आदि राज दरबारों में भी रहे हैं। मैंने इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी पहली रचना थी हिम्मत, इनकी पहली रचना कौन सी थी? हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, ठीक है, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, ठीक है। और दूसरी जो वीर रस में लिखी गई थी, ये भी आप लोगों को, एक जग विनोद भी इन्होंने लिखा था, सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ भी रहा है, जो जयपुर के महाराजा जगत सिंह के नाम पर लिखा गया था, ठीक है। अन्य रचनाओं की बात करें तो प्रबोध पचासा, जयसिंह विरुद्धावली और हितोपदेश, अली जाहे विकास, गंगा लहरी और राग रसायन, ये भी इन्हीं की एक तरह से रचनाएं हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखिए। और कुछ यही बता देता हूँ, कुछ याद रखिए, कुछ आपके साहित्यकारों की संज्ञा भी पूछ लेता हो तो, कालिदास को आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इन्हें इनका उपनाम महाकवि, भारत की शेक्सपियर, भावभूति को अम्बेक के नाम से, भारत के मिल्टन के नाम से जानते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के मिल्टन के नाम से किसे जानते थे, भावभूति को। और कठिन काव्य का प्रेत तो आप जानते हैं कि आचार्य केशवदास को, और रीतकालीन प्रथम कवि ये भी आचार्य केशवदास, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा किसे कहते थे या किनका उपनाम था, तो ये था किसका, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे और अब बात करते हैं आधुनिक इतिहासकारों के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोग पंडित माखनलाल चतुर्वेदी साहब के बारे में, माखनलाल माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, हो गया चतुर्वेदी। तो इनके बारे में सबसे पहले तो आप लोग याद रखिए कि 4 अप्रैल 1889 कब, 1889 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और आप लोगों को एक भी मालूम होना चाहिए कि जो आपका आज का जिला होशंगाबाद पड़ता है ना, वहीं एक बावई हुआ करता था गांव, उसी में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जन्म हुआ तो इन्होंने जो आपका स्वाधीनता संघर्ष हुआ उसमें भी इन्होंने भाग लिया होगा, एक उस समय के लिए अध्यापक भी रहे हैं, ठीक है। और याद रखिए वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए कुछ समय बाद, और एक प्रभा था, इसके संपादक भी रहे इस अखबार के, ठीक है। और 1919 में देखेंगे आप लोग कि करमवीर के संपादक बने, और इन्होंने प्रताप का भी संपादन किया, तो आप लोगों को तीन क्या रखने पर, तीन पत्र एक तरह से आप कह सकते हैं समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन किया, करमवीर, प्रताप और एक था प्रभा, ठीक है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। अगर इनकी रचनाओं की हम लोग बात करें तो इसमें आप देखने को मिलेगा इन्होंने गद्य पद दोनों में काफ़ी रचनाएं की, जिसमें आप हिमक्रीटनी, हिम तरंगनी, माता, योगचरण, मरण ज्वार, जवार, धीजूरी, काजल, आज रही और एक था धूम वलय, ठीक है। फिर से आप लोग सुन लीजिए, इनके प्रमुख काव्य में इनका हिमक्रीटनी, हिम तरंगनी, माता, योगचरण, मरण सब जवार, धीजूरी, काजल, आज रही, एक था इनका धूम वलय, ठीक है। निबंध संग्रह की बात करें तो साहित्य देवता, अमीर इरादे, इरादे इरादे, अमीर इरादे, गरीब इरादे, पाँव पाँव, और इनका एक नाटक था कृष्ण अर्जुन युद्ध, काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। और कुछ इनकी और भी रचनाएं हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखिए, कला का अनुवाद, कहानी और कहावत, समय के पाँव, चिंतक की लाचारी, ये सभी भी इन्हीं के एक तरह से रचनाएं हैं। और याद रखिए इन्होंने जब बिलासपुर इन्हें जेल हुई थी ना, बिलासपुर जेल में इन्होंने लिखी थी एक पुष्प की अभिलाषा, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रही है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। रंगों की बोली भी इन्होंने ही लिखी है,
ठीक है। तो ये सभी आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। फिर आते हैं गजानन मुक्तिबोध, गजानन मुक्तिबोध, ठीक है, एम से मुक्तिबोध आप लोग याद रख सकते हैं। इनके जन्म की अगर हम बात करें श्री गजानन मतलब मुक्तिबोध की, तो इनका जन्म हुआ था 1917 में, ठीक है। और शिवपुर जो मध्य प्रदेश का है ना, यहीं कला में हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उज्जैन, विदिशा, अमझेरा, इन स्थानों पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं से बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा एक आप समझिए कि कविता संग्रह था, और इससे क्वेश्चंस कई बार बन चुके हैं आपके। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना थी, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। और इनकी एक रचना थी एक साहित्यिक डायरी, एक थी नई कविता का आत्म संघर्ष, भारत इतिहास और संस्कृति भी इनकी रचना है, कामायनी एक पुनर्विचार ये भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। और कुछ आप देखते हैं सतह से उठता आदमी, काठ का सपना, विपात, ब्रह्म, राक्षस ये भी इन्हीं की रचना है। एक कवि हुए आपके सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आप लोग सुने होंगे, और काफ़ी इनसे क्वेश्चन आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इनका जन्म हुआ था आप लोग देखेंगे 1904 में, और कहाँ हुआ था इनका जन्म, प्रयाग में, प्रयागराज सुनते हैं ना। और इनका विवाह हुआ था आप समझ सकते हैं कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह से, कहाँ के, खंडवा के राजा एक तरह से रहे थे, ये भी आप लोग याद रखिए। इनकी अगर रचनाओं की बात की जाए आपसे, तो इसमें इनकी रचनाओं मुकुल, बिखरे मोती, राखी की चुनौती, उन्मादिनी, त्रिधारा, सभा के खेल, सीधे साधे चित्त, इनकी सभी ये रचनाएं हैं। और याद रखिए झांसी की रानी, ये काफ़ी बार पूछ लिया है, झांसी की रानी किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है, याद रखिए झांसी की रानी किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है इससे, ठीक है। फिर एक आते हैं आपके बाल कृष्ण शर्मा, नवीन भी इनका उपनाम नवीन भी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगर इनके हम लोग जन्म की बात करें तो 8 दिसंबर देखिए क्वेश्चंस जन्म से पूछे जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको याद रखना है इनकी रचनाओं के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जरूर पूछता है 1897 को, ठीक है। किन का जन्म होता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का, ये भी आप लोग। और इनका भी आप देखेंगे जिला जो शाजापुर पड़ता है ना, यही एक गांव हुआ करता था भयाना, इसमें जन्म हुआ था इनका, ठीक है। और उन्होंने प्रभा और प्रपात नामक प्रताप नामक पत्रों का संपादन भी किया है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उर्मिला उनका एक महाकाव्य भी है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। और संविधान सभा जो बनी थी आपकी, इसके सदस्य भी रहे, तो ये भी क्वेश्चंस बन सकता है आपसे, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। इनके कविता संग्रह की बात करें तो कुमकुम हो गई, रश्मि रेखा हो गई, आप अलग हो गई, क्वासी हो गई, विनोबा हो गई, इस तो वन हो गई, हम विश्व पाई जन्म के, ये भी हो गई, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, आप लोग याद रखिए। अगले हैं आपके पंडित हरिशंकर परसाई। इनके जन्म की बात करें तो आपको याद होना चाहिए इनका जन्म होता है कब, 22 अगस्त 1924 को, ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो होशंगाबाद जिला पड़ता है ना, इसी के पास एक गांव हुआ करता था पहले, जमानी गांव, इसमें हुआ था, ठीक है। और इन्होंने देखिए वसुधा नामक एक साहित्यिक मासिक पत्रिका भी निकाली थी, और पहरी के भी ये संपादक रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। इन्हें काफ़ी पुरस्कार भी दिए गए, जैसे पद्मश्री हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, सरद जोशी सम्मान, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार, चकल्लस पुरस्कार, मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य सम्मेलन का भवभूति अलंकार। और इनका डेथ होती है इनकी 10 अगस्त 1995 को। इनकी कृतियों से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपन्यास की बात करें तो रानी नागफनी की कहानी, एक किससे जुड़ी हुई है, पंडित हरिशंकर परसाई की उपन्यास है,
कौन सी? रानी नागफनी की कहानी, इससे क्वेश्चन आ चुका है। और तट की खोज, इनका उपन्यास है हरिशंकर बसाई का, ठीक है। निबंध संग्रह की बात करें तो तब की बात और थी, ये भी इनका निबंध संग्रह है। भूत के पांव पीछे, आप लोग देखते हैं ना कि आप लोगों ने ही तो कहा है कि भूत के पांव पीछे होते हैं, तो उसी को भी नहीं लिखा है, इनका निबंध संग्रह है। एक इनका निबंध संग्रह है बेईमानी की परत, और भी है पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ये सभी इनके निबंध संग्रह हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो हंसते हैं रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे, ये इनकी कहानी संग्रह है, ठीक है। व्रंग निबंध संग्रह की बात करें तो वैष्णव की फिसलन, त्रिसी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा, श्रद्धा का दौर, ये भी इनकी ही एक तरह से रचनाएं हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आते हैं आपके शरद जोशी साहब, शरद जोशी साहब, इनके बारे में बात करूं तो शरद जोशी साहब को आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो याद रखिए इनका जन्म हुआ था उज्जैन में 21 मई 1931 में, जब आप गोलमेज सम्मेलन देख रहे थे ना उसी समय की बात है, और उज्जैन में हुआ था। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो परिक्रमा हो गई, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, राह पर किनारे बैठ, दूसरी सतह, पिछले दिनों, यथासंभव, और फिर आप देखेंगे अंधों का हाथी, एक था गधा, मैं और केवल मैं, ये भी इन्हीं की रचना है। तिलिस्म, ये भी इनकी ही रचना है। गद्य रचनाओं की भी बात कर लेते हैं, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतर, प्रति दिन, यथासंभव, यथासमय, यथ तत्थ सर्वत्र, नावक के तीर, मुद्दिका रहस्य, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, और छरता नीम शाश्वत, थीम जादूगर की सरकार, पिछले दिनों, राग भोपाली, नदी में खड़ा कवि, घाव के करे गंभीर, मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, ये भी इन्हीं की है। और व्यंग नाटक की बात करें तो अंधों का हाथी हो गया, एक था गधा, उर्फ उल्लाद खां। उपन्यास की बात करें तो मैं और केवल मैं इनकी रही है, ठीक है। और इनके टीवी धारावाहिक भी रहे हैं, यह जो यह जिंदगी, मालगुड़ी डेज, विक्रम और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, दानी अनार के, यह दुनिया गजब की, लापतागंज, फिल्मी संवाद क्षेत्रिज, गोधुली, उत्सव, उड़ान, चोरनी, सोच को ओच नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये सभी इन्हीं की एक तरह से किन से जुड़ा हुआ है, शरद जोशी से, ठीक है। एक आपके हुए मुल्ला रमजी, तो इनका नाम है, इनका जन्म आप लोगों को याद रखना होगा 21 मई 1896 में होता है, ठीक है, और भोपाल में होता है इनका जन्म, जो आपकी राजधानी है इसी में होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। इनकी रचनाओं से अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे तो इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं मुल्ला रमुजी की, इंती खावे गुलाबी उर्दू, मज मुआ गुलाबी उर्दू, मिकालात गुलाबी उर्दू, ख्यातीन अंगूरा, सादी औरत जात, लाठी और भैंस, दीवाने मुल्ला रमजी, सिफा खाना, जिंदगी मुल्ला रमजी, गुलाबी उर्दू, गुलाबी शायरी, ये सभी इनकी एक तरह से रचनाएं हैं। बड़ी उठपटांग रचना है लेकिन आप लोगों को याद रखना होगा। एक था इनका, अगले हैं आपके आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, उन्नाव, समझते हैं जो सुनते हैं, 1906 में हुआ था, ये भी याद रखिए। ये प्रगतिवादी और छायावादी रहे हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हिंदी साहित्य में आप देखेंगे 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नए फैशन, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, और निबंध की बात करें तो इसमें आपको लोगों को देखने को मिलेगा पिकनिका, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, इनके निबंध संग्रह हैं, ठीक है, किनके? आचार्य नंद दुलारी के। एक आपके हुए हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह चौहान,
ठीक है। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका भी जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में ही हुआ था और 1916 की बात है, इनका 1916 में जन्म हुआ था। तो ये भी आप लोग, इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो हिल्लो, विश्वास बढ़ता ही गया, आंखें भरी नहीं, जीवन के गान, विंध्य हिमालय, माटी की बरात, ये सभी इनकी रचनाएं, ठीक है। एक आपके हुए पंडित भवानी, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये ठेठ आप देखेंगे देश शब्दों में ये काव्यधारा लिखा करते थे जो भी, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। और इनकी हम लोग अगर रचनाओं की बात करें तो सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँगते अनमले जंगल, इनकी रचनाओं में गीत फरोश 1956, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं 1968, नीली रेखा के खेल, कुल नीति, कुल राजनीति, खुशबू के शिलालेख, तिकाल संध्या, मानसरोवर के दिन, जिन्होंने मुझे रचा, बुनी हुई रस्सी, उन्होंने गांधी पंचशक्ति नाम से एक महाकाव्य भी लिखा था और कल्पना पत्रिका की भी पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था, ये भी आप लोग याद रखिए। एक हुए आपके बाल कवि बैरागी, बाल कवि बैरागी साहब, बाल कवि बैरागी। तो इनके बारे में सबसे पहले तो आप लोग याद रखिए कि ये मंदसौर जो आप देखते हैं ना यहीं के थे, ठीक है। इन दर दीवानी, जूझ रहा है हिंदुस्तानी, गौरव गीत, सरपंच, ललकाल, एक कुछ इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। ये आगे चल के आप देखेंगे कि राज्यसभा में सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, समझ रहे हैं। तो भी आप लोगों को 2018 में इनकी डेथ हो गई थी। बाल कवि की रचनाओं की बात कर लेते हैं, जैसे बता चुका हूँ कुछ, तो भावी रक्षक देश के, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, दो टूक, सारा देश हमारा, दीवट प्रदीप, चांद में धब्बा, ये इन्हीं की सभी रचनाएं हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। कुछ आपके वर्तमान अभी के करंट में आपके देखते हैं कि साहित्यकार हैं, इनमें कुछ आपके, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं अगर इनसे भी क्वेश्चन पूछे तो। पहले हैं आपकी बटुक चतुर्वेदी, बटुक चतुर्वेदी। तो ये भी आप लोगों की इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो पहला चरण, धड़कनों के आसपास, आदमी होने का दुख, इनकी रचनाएं। एक है आपके डॉक्टर बशीर वद्द, डॉक्टर बशीर वद्द साहब, इनके बारे में अगर बात करें हम लोग तो ये आप जानते हैं उर्दू शायरी के अच्छे शायर हैं, समझ रहे हैं। हिंदी में इन्होंने तुम्हारे लिए ऊँच, आज़ादी के बाद, उर्दू गज़ल का मुतालवा, उजाले अपनी यादों के, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक हुए आपके माधव राव सप्रे, इनके बारे में अगर बात करें तो ये भी आपके दमोह जिले से संबंध रखते हैं, पथरिया गांव से, ठीक है। और इनकी अगर हम लोग बात करें रचनाओं की तो जैसे सप्रे संग्रहालय भी आप लोग देखते होंगे भोपाल में है, ये भी आप लोग याद रखिए। इनकी रचनाएं हैं प्रमुख माधवराव सप्रे की महाभारत, मीमांसा, हिंदी दासबोध, ठीक है। इनकी एक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, और आप जानते हैं कि इसे मध्य प्रदेश में हिंदी का प्रथम कहानी भी माना जाता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। आगे आप देखेंगे मालती जोशी के बारे में, आप लोग सुनते हैं मालती जोशी, इनके बारे में बात करें तो अक्षय सम्मान, बंगाल रचना सम्मान, काफ़ी इन्हें पुरस्कार भी दिए गए हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। आप देखेंगे इनकी कहानी कविताएं व्यंग्य देश की कई पत्रिकाओं में भी, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी छपते हैं और ये आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी प्रसारित होते हैं। एक आपके हुए जगदीश चतुर्वेदी, एक इनका है इतिहास हंता और दूसरा है इनका सूरपुत्र, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। इतिहास हंता के लिए इन्हें आप समझिए कि सूर पुरस्कार भी दिया गया था और सूरपुत्र के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। एक आपके हैं चंद सेन विराट,
ये आप लोग मध्य प्रदेश के ही हैं, ठीक है, रतलाम के निवासी रहे हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो स्वर की सोपान, निर्वसन चांदनी, पीले चावल द्वार पर, कचनार की टहनी, ये सभी इनकी चंद्रसेन विराट की रचनाएं। एक है आपके राजेंद्र माथुर, राजेंद्र माथुर साहब, ये इंदौर से इनकी प्रकाशित होती नई दुनिया के संपादक भी रहे हैं, जो नई दुनिया है ना समाचार पत्र, ठीक है, और नव भारत टाइम्स में भी कुछ समय के लिए संपादक रहे हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक नाम सुनते हैं आप लोग, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी साहब, तो आप जो तैयारी करते होंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसमें भी ये रहे हैं, आप समझ रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो शहर अभी भी संभावना है, शहर अभी भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, और कला विनोद अकेला, ये सभी इनकी कृतियाँ हैं, ठीक है, रचना है। एक आप सुनते हैं मेहरुन्निसा परवेज, मेहरुन्निसा परवेज, तो एक कहानीकार उपन्यास हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इनकी कृतियों की या रचनाओं की बात करें तो आँखों को दहलीज, आदम और हब्बा, अकेला पलाश, अंतिम पढ़ाई, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। एक आप सुनते हैं डॉक्टर धनंजय सिंह, डॉक्टर धनंजय सिंह वर्मा या डॉक्टर धनंजय वर्मा, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। इनकी कृतियों की बात करें तो निराला काव्य और व्यक्तित्व, और दूसरी है आस्वाद की धरातल, तीसरी है अंधेर नगरी, और हस्तक्षेप भी इन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है। एक नाम सुनते हैं आप लोग मानिक वर्मा, मानिक वर्मा, तो इनके बारे में बात करूं तो ये हास्य व्यंग की काफ़ी कवि भी रहे हैं, ये भी आप लोगों को। इनकी रचनाओं की बात करें तो आदमी और बिजली का खम्मा, महाभारत अभी जारी है, और दस्तक इनकी ये तीन रचनाएं काफ़ी चर्चित, ठीक है। क्या है कि इनकी रचनाओं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। एक नाम आप लोग सुनते हैं डॉक्टर अजीत रायजादा, डॉक्टर अजीत रायजादा, इनके बारे में बात करें तो ये भी आप समझिए कि आपके जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है इसी से जुड़े हुए रहे हैं, ठीक है। और इनकी रचनाओं की बात करें तो हाशिए पर आदमी, इंडियन ओशियन पॉलिटिक्स, आर्ट आर्कियोलॉजी ऑफ रतलाम, ये तीन काफ़ी चर्चा में भी रही हैं, तो याद रखिए इंडियन ओशियन पॉलिटिक्स, ये काफ़ी इस पर भी क्वेश्चंस पूछ लिया है कई बार कई परीक्षाओं में, ठीक है। एक आपके हुए अनवर, कौन से, अनवर ए इस्लाम, ये भी आप लोग याद रखिए। और इनकी रचनाओं की बात करें तो सारी दुनिया दंग, बादल आए पानी लाए, स्वागत है अजनबी दोस्त, ये सभी इनकी भी कृतियाँ हैं, ठीक है। एक आपके हुए अमृतलाल आकिंचन, इनके बारे में बात करें तो ये नाटककार हैं, कहानी आलोचना ये भी करते रहते हैं। इनकी रचनाओं की हम बात करें तो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और अन्य कई पत्रिकाएं भी इन्होंने प्रकाशित की हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। फिर हैं एक आपकी नरेंद्र चंचल, नरेंद्र चंचल, इनके बारे में बात करें हम लोग तो इनकी प्रमुख कृतियाँ देख लीजिए आप लोग, रचनाएँ अनदेखे रास्ते, शब्द तो गाएगा गद्यवान, विजय धोनी, आस्था के गीत, ये सभी इनकी रचनाएँ। फिर आप देखते हैं विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनकी चर्चित काफ़ी प्रसिद्ध कृतियाँ रही हैं, दीवारों के खिलाफ, प्यासे हॉट, अंत नहीं जाएगा, ये सभी इन्हीं की रचनाएं, ठीक है। एक नाम आपका है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दुबे, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दुबे, इनके बारे में भी याद रखिए, इन्हें काफ़ी पुरस्कार भी, साहित्य श्री, पद्म श्री, हिंदी भूषण, याद रखिए, या तो हाल में ही किसी को पुरस्कार दिया जाए उससे क्वेश्चंस बन सकता है, और या फिर आप समझिए कि इनके पुराने पुरस्कार मुझे नहीं लगता है कि पूछने की संभावना रहेगी, इनसे इनकी रचनाएं ही पूछी जा सकती हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। साहित्य के चरण, हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा, तुलसी साहित्य की संदर्भ, राम काव्य, ये सभी इन्हीं से जुड़ी हुई है, ठीक है। एक नाम सुनते हैं आप लोग तिलोचन शास्त्री, तिलोचन शास्त्री साहब के बारे में सुनते हैं तो ये भी आप लोग याद रखिए,
इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, ये सभी इनसे ही जुड़ी हुई है। एक आपके हुए हैं गिरजा, गिरजा कुमार माथुर, ये भी आपके अशोक जिले से जुड़े हुए हैं और हिंदी कवि, नाटककार भी रहे हैं, समालोचक भी रहे हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो मैं वक्त के सामने और हम होंगे कामयाब एक दिन, आप लोग देखते हैं ना कि आप लोग भी तो ये कहते रहते हैं, तो इन ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। किसकी? गिरजा कुमार माथुर की। एक आपके हुए हैं कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु साहब आपके गुरु, ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे सागर जिले से जुड़े रहे हैं, सागर आप लोग सुनते हैं ना, आपके मध्य प्रदेश के बीचों बीच में है, सबसे केंद्र बिंदु है। तो इसमें आप देखेंगे, इनकी रचनाओं में आप देखेंगे बाल सखा, सरस्वती पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं, और इनकी अन्य रचनाओं में हिंदुस्तानी शिष्टाचार, पार्वती और यशोदा, विनय पचासा, भौमासुर वध, पद्म पुष्पावली, सत्य प्रेम, ये सभी इन्हीं की रचनाएं। फिर आपके एक हुए चंद्रकांत देवताले, चंद्रकांत देवताले, ठीक है, सी से चंद्रकांत। तो इनका जन्म आप देखेंगे खेड़ा बैतूल कहते हैं। इनकी रचनाओं अगर बात करें तो दीवारों पर खून से, फिर दूसरी है पत्थर की बेंच, हड्डियों में छिपा ज्वार, लकड़बग्घा हंस रहा है, उजाड़ में संग्रहालय, इतनी पत्थर रोशनी, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है। एक आपके हुए नरेश मेहता, नरेश मेहता, इनके बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि शाजापुर जिले से जुड़ी हुई है, ठीक है। और इनकी रचनाओं की बात करें तो अरन हो गया, चेतन हो गया, प्रसाद पर्व, पुरुष या पतबंधु, ये सभी इन्हीं से जुड़ी हुई है। एक आपके हुए हैं कैप भोपाली, इनके बारे में बात करें तो आपको ये, इनका जन्म भोपाल में हुआ था और गीतकार रहे हैं और शायर रहे हैं, ठीक है, ये भी आप लोग। एक आपके हुए हरि कृष्ण देवसरे, हरि कृष्ण देवसरे, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये नागौत सुनते हैं सतनागा, वहीं से जुड़े हुए हैं, और पराग पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया है, बाल पत्रिका, ठीक है। और हरि कृष्ण देव सरे की अगर प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो डाकू का बेटा, मील के पहले पत्थर, स्वान यात्रा, प्रथम दीप स्तंभ और दूसरे ग्रह के गुप्तचर, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। एक आपके श्री कृष्ण सरल, श्री कृष्ण सरल, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। इनकी रचनाओं की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये अशोक नगर से जुड़े हुए हैं, श्री कृष्ण सरल। इनकी रचनाएं हैं जय हिंद, क्रांतिकारी कोष, इतिहास पुरुष, सुभाष, महाबली, ये सभी इनकी ही रचनाएं हैं, ठीक है, ये भी आप लोग। एक आपके हुए अनिल माधव दवे, अनिल माधव दवे, तो ये पर्यावरण से जुड़े रहे हैं, इनका पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी नाम है, राजनीति भी इन्होंने की, लेखक भी हैं, ये आपके बड़नगर उज्जैन से संबंध रखते हैं, ठीक है। और आप देखते हैं कि नर्मदा सेवा अभियान, नमामि देवी नर्मदे के संयोजक भी रहे हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो नर्मदा संग्रह, शिवाजी व स्वराज, सृजन से विसर्जन तक, उत्तम मानव के निर्माण के हिंदू संस्कार, ये सभी इनसे ही जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर आपके अगले हैं अमृतलाल वेगड़ नर्मदा पुत्र, इन दोनों को आप लोग बड़ा वो याद रखिए, पूछा जा सकता है इनसे, नर्मदा पुत्र के नाम से भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। और इनके जन्म की बात करें तो जबलपुर में हुआ था। इनकी रचनाओं की बात करें तो तीरे तीरे, तीरे तीरे नर्मदा, और दूसरी है इनकी सौंदर्य की देवी नर्मदा, और एक है इनकी अमृतस नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ये सभी इन्हीं से जुड़ी हुई है। यानी कि कहने का मतलब है कि नर्मदा अगर शब्द जुड़ा हुआ है तो अमृत बेगड़ नर्मदा, जो अमृतलाल बेगड़ थे, इन्हीं की रचना है। लेकिन एक याद रखिए, जो आपके अनिल माधव दवे थे, इनकी एक है नर्मदा संग्रह, ये आप लोग छोड़ के बाकी इन्हीं से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो आसान भी होगा। एक आपके हुए महाकवि प्रदीप, महाकवि प्रदीप साहब, इनका जन्म आप देखेंगे उज्जैन से जुड़े हुए हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। इन्होंने, आपने देखा होगा कि ये वतन के लोगों, इन्होंने ही लिखा है गीत, ठीक है, जो आपने देखा होगा कि लता मंगेशकर ने 1963 में लाल किले से गाया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूर हटो ये दुनिया वाले, हिंदुस्तान हमारा है, ये भी कवि प्रसिद्ध कवि जो प्रदीप साहब हैं, इनकी रचना है, ठीक है।
और आप देखेंगे 71 से ज़्यादा इन्होंने फिल्मों में काम किया, 1700 से ज़्यादा गीत भी गाए इन्होंने, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और भी आप देखेंगे जैसे देशभक्ति गीतों में फिल्म बंधन वर्ष 1940 में चल चल रे नौजवान, फिल्म जागृति वर्ष 1954 में आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क डाल भी, ये भी सभी इन्हीं से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य भी आपके साहित्यकार हैं जैसे कामता प्रसाद गुरु हो गए, रामेश्वर शुक्ल अंचल हो गया, गीतकार शैलेंद्र गुलशेद अहमद सानी, माया राम सूरजन, मुकुट बिहारी सरोज, ये भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। इनसे भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग आराम से, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और पूछ लेता है, जो मध्य प्रदेश की विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाएं हैं ना, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है मध्य प्रदेश जो कला परिषद है, मध्य प्रदेश एमपी कला परिषद, मध्य प्रदेश कला परिषद, इसकी स्थापना की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1952 में भोपाल में हुई थी, कहाँ, भोपाल में हुई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश कला परिषद की कब स्थापना कहाँ हुई थी, भोपाल में कब हुई थी, 1952 में। इसका उद्देश्य आप लोग जानते होंगे कि कभी किसी संस्था को बनाया जाता है तो उसका उद्देश्य भी रहता है, इसमें आप देखेंगे इसका उद्देश्य रहा है कि प्रदेश में संगीत नृत्य लोक कला नृत्य कला रंगमंच इन सबको संरक्षण और संवर्धन देना, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और आप लोगों ये भी देखते होंगे खजुराहो समारोह, भेड़ाघाट मालवा उत्सव, ग्वालियर उत्सव, इनका भी आयोजन ही परिषद प्रतिवर्ष करती है, ठीक है, ये भी आप लोग। एक कला वार्ता मासिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है आपकी, यही मध्य प्रदेश कला परिषद। एक आप लोग सुनते हैं मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के बारे में भी, इसकी मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, ठीक है। और याद रखिए इसका मुख्यालय भी आपको भोपाल में ही देखने को मिलेगा, कहाँ, भोपाल में, ये भी आप लोग याद रखिए। इसका भी एक तरह से इसका भी उद्देश्य वही है कि साहित्य का अच्छे संरक्षण करें, संवर्धन करें, इसे बढ़ावा दें, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और आप जानते हैं कि प्रख्यात साहित्यकारों के जन्म शती समारोह का आयोजन भी करती है, जैसे केशव जयंती समारोह ओरछा में, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में, पद्माकर समारोह सागर में, माखनलाल चतुर्वेदी स्मृति समारोह खंडवा में, बाल कृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह शाहजहाँपुर में। ये भी कई बार पूछ लेता है कि केशव जयंती समारोह कहाँ होता है या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ होता है, तो जबलपुर में आपका सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह और केशव जयंती समारोह ओरछा में, तो इनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी आप लोग याद रखिए। फिर आप देखेंगे कालिदास अकादमी कहाँ है, कालिदास अकादमी उज्जैन में देखने को मिलेगी आपको, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि माफ करिए यहाँ एक आप जानिए 1957 से तो आपका काली जो आप देखते हैं कालिदास समारोह हो चला आ रहा है होता हुआ, लेकिन 1977 में इसकी स्थापना की गई थी उज्जैन में ही, ठीक है। तो यहाँ 1957 से तो आपका कालिदास समारोह चला आ रहा है लेकिन इसकी स्थापना आगे जाके 1977 में होती है, और इसका यही कार्य है कि उज्जैन में प्रतिवर्ष कालिदास सम्मान समारोह का आयोजन करना, ठीक है, यही इसका काम है। एक आप लोग सुनते हैं मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला साहित्य, आदिवासी लोक कला साहित्य, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला साहित्य, आदिवासी मतलब ST, समझ रहे हैं आप लोग, अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं, इसकी स्थापना आप देखेंगे भोपाल में की गई थी 1980 में, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आदिवासी लोक संगीत लोक नृत्य नाट्य साहित्य इनको संरक्षण और प्रोत्साहन करना। और याद रखिए चौमासा नामक पत्रिका भी हर चौथे माह में निकालती है, ये भी अगर क्वेश्चंस पूछे तो आराम से बता देना, ठीक है। और आप समझिए कि एक तरह से जो आदिवासी हैं उनकी संस्कृति को जिंदा रखना ही इसका काम है एक तरह से। भारत भवन, तो आप देखेंगे भारत भवन न्यास अधिनियम 1982 के द्वारा भोपाल में एक भारत भवन की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य यही है कि कला विभिन्न कलाओं का परिरक्षण करना, अन्वेषण करना, उन्नयन करना, व्यापक प्रचार प्रसार करना। और भारत भवन जो आपका है इसके वास्तुकार कौन रहे हैं,
भारत भवन, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। इसके चार्ल्स कुरियन इसके वास्तुकार रहे हैं। कुरियन ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन बन जाता है भारत भवन न्यास का गठन, तो शासन द्वारा अगस्त 2008 में किया गया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इससे जुड़े हुए बात करें तो अगर हम लोग तो इसमें रूपांतर, आकार, ललित, अनहद, अंतरंग और बहिरंग, वागर्थ, ये इन्हीं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। निराला सृजन पीठ, ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो है ना, इसी में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी आप लोगों को। एक क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी कहाँ है, तो याद रखिए भोपाल में ही स्थापित की गई थी 1987 में, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि जो भी तुलसी साहित्य की खोज है, उसका संकलन है, उसका प्रकाशन है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार करना ही इसका काम है। और एक आप सुनते हैं कि तो चित्रकूट में भी शोध संस्थान अंतर्राष्ट्रीय तुलसी विद्यापीठ के रूप में विकसित हो रहा है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। एक है आपका उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, तो 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, 1979 में, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा बिहार सतना, देखते हैं आप लोग, वहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और प्रतिवर्ष आप देखते हैं मेहर में आपका अलाउद्दीन खां स्मृति का समारोह भी होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी कहाँ है, तो ये आपको याद रखना होगा कि भोपाल में ही इसकी स्थापना की गई थी 1983 में, ठीक है। इसका काम भी वही रहेगा, सिंधी भाषा और साहित्य का संरक्षण और संवर्धन बढ़ावा देना, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी एमपी संस्कृत अकादमी, मतलब मध्य प्रदेश की जो भी संस्कृत अकादमी है, इसकी स्थापना भी 1985 में की गई थी भोपाल में, ठीक है। और इसका देखिए काम क्या रहेगा, संस्कृत से जुड़े भी जो भी साहित्य हैं उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना या फिर उन्हें बढ़ावा देना, ठीक है। एक आपकी पूछी जा सकती है कुल हिंद अल्लामा इकबाल अदबी मरकज, ये कहाँ है, भोपाल में। और याद रखिए ये 1984 की बात है, तभी इसकी एक तरह से स्थापना की गई थी। और इसका मेन उद्देश्य वही है कि उर्दू शिक्षा और साहित्य का उन्नयन और प्रचार करना, ठीक है। मुस्लिमों में आप देखते हैं कि उर्दू काफ़ी बोली जाती है। एक आपकी मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को याद रखना होगा कि ये भोपाल में देखने को मिलेगा, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। और इसका आप लोग समझिए इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, उर्दू साहित्य का संरक्षण करना, उसे बढ़ावा देना, समझ रहे हैं। एक आप सुनते हैं मध्य प्रदेश माध्यम, तो ये मध्य प्रदेश शासन की संचार की गतिविधियों का केंद्र जनसंपर्क निदेशालय है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जनता और शासन के बीच संवाद स्थापित किया जा सके, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आपका मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में। और इसका उद्देश्य वही है कि जो भी आपकी विश्वविद्यालय पाठ सामग्री है, संदर्भ है, इसे हिंदी में आप बढ़ावा देना। और आप जानते हैं कि आपकी हिंदी भाषा भी यहाँ की राजभाषा भी है। एक आप सुनते हैं मध्य प्रदेश सृजन पीठ, तो ये भी आप लोगों को अनेक विश्वविद्यालयों में देखने को मिलेगा, ठीक है। राज्य में 5 अभी करेंट में सृजन पीठ मिलेंगी, 3 शोध पीठ मिलेंगी, और आपको 1 पत्रकारिता पीठ मिलेगी, 2 कबीर सृजन पीठ की बात करें तो 2017 में आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कुछ सृजन और पीठ के बारे में।
आदि शंकराचार्य पीठ ओंकारेश्वर में देखने को मिलेगा, परशुराम पीठ जानापाव मऊ, महादेवी वर्मा पीठ हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में, गांधी शोध पीठ देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो आपका इंदौर में है, राजेंद्र माधुर पत्रकारिता पीठ ये देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में, निराला सज्जन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, सुभद्रा कुमारी चौहान पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, प्रेमचंद्र सज्जन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, मुक्तिबोध सज्जन पीठ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। इन सभी को याद रखिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि आदि शंकराचार्य पीठ कहाँ है, तो याद रखना है ओंकारेश्वर। अगर परशुराम पीठ की बात करें तो जानापाव मऊ में है, महादेवी वर्मा पीठ की बात करें तो हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है, गांधी शोध पीठ की बात करें तो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है, राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ की बात करें तो ये भी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है, निराला सज्जन पीठ की बात करें तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो भोपाल का है इसमें है, सुभद्रा कुमारी चौहान पीठ की बात करें तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो जबलपुर का है ना उससे वही है, प्रेमचंद्र सज्जन पीठ की बात करें तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है, ठीक है, मुक्तिबोध सज्जन पीठ की बात करें तो डॉक्टर हरि सिंह गौर जो विश्वविद्यालय सागर का है इसमें है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। रविंद्र भवन भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिए भोपाल में है, रविंद्र भवन कहाँ है, भोपाल में है, ये भी आप लोग। और मध्य प्रदेश के पुरातत्व और अभिलेखाकार एवं संग्रहालय इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, और आप समझ सकते हैं इसका काम यही रहता है कि जो भी आपके पुरातात्विक सामग्री है इनका सर्वेक्षण करना, उन्हें चिन्हित करना, उनका संरक्षण करना, ठीक है। और इनके कार्यालय की बात करें तो इसके चार कार्यालय देखने को मिलेंगे आपको, इंदौर ग्वालियर रीवा नागपुर में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को, देखिए मध्य प्रदेश कला परिषद के बारे में अगर आपसे पूछता है तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और भोपाल में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की बात करें तो भोपाल में है और इस मुख्यालय इसका भोपाल में 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, भोपाल में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की बात करें तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी भोपाल में, कालिदास अकादमी की बात करें तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी उज्जैन में, उस्ताद अलाउद्दीन संगीत अकादमी की बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, और मेहर सतना में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी की इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, भोपाल में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। एक है आपका हमा इकबाल अदवी अकादमी, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, भोपाल में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की बात करें तो 1985 में स्थापना हुई थी, भोपाल में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी 1987 में हुई थी इसकी स्थापना, भोपाल में देखने को मिलेगा। भारत भवन की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी भोपाल में। पुरातत्व एवं अभिलेखाकार संग्रहालय की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना थी भोपाल में। अधिकतर में देखेंगे आप लोग भोपाल मुख्यालय देखने को मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि कालिदास अकादमी का मुख्यालय आपका उज्जैन में है और उस्ताद अलाउद्दीन संगीत अकादमी का मुख्यालय आपका मेहर में है, सतना में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, इनसे क्वेश्चंस बनने की संभावना पूरी रहती है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। मध्य प्रदेश के केंद्र शासन के संग्रहालय भी आप लोगों ने देखा होगा, केंद्र शासन के एक तो आपका पुरातत्व सांची रायसेन में है, इसमें हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित है, ठीक है, सांची वाला। एक पुरातत्व संग्रहालय खजुराहो में छतरपुर जिले में देखने को मिलेगा, इसमें आप देखेंगे जो चंदेल शासकों की जो भी प्रतिमाएँ रही हैं इन सब की एक तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ आपके राज्य स्तरीय संग्रहालय हैं, जिसमें एक तो आप देखेंगे केंद्रीय संग्रहालय गुजरी महल जो ग्वालियर का है आपका, दूसरा आप देखेंगे राजकीय संग्रहालय भोपाल का है, इसे भी आप लोग याद रखिए, और एक आपका केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर में है, ठीक है, रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन जाएगा इससे कि रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ है, जबलपुर में। एक आप देखेंगे महाराजा छत्रसाल राजकीय संग्रहालय धुवेला छतरपुर में देखने को मिलेगा ये, ठीक है। तुलसी संग्रहालय की अगर बात करें तो राममन सतना में देखने को मिलेगा ये, ठीक है। त्रिवेणी संग्रहालय की बात करें तो ये उज्जैन में देखने को मिलेगा, ये सभी आप लोगों को याद रखना होगा। याद रखना होगा अच्छे से, ठीक है। जिला संग्रहालय की भी बता देता हूँ, शिवपुरी धार डिंडोरी विदिशा शहडोल राजगढ़ देवास मंदसौर होशंगाबाद रीवा पन्ना टीकमगढ़ खरगोन यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है।
और जिला पुरातत्व संघ द्वारा संचालित भी कुछ संग्रहालय हैं, कुंडेश्वर, टीकमगढ़, गुना, मुरैना, बैतूल में। स्थानीय संग्रहालय भी देखने को मिलेगा भानपुरा मंदसौर में, आशापुरी आपका रायसेन में, महेश्वर खरगोन में, गंदरपुरी आपका देवास में और दमोह में भी देखने को मिलेगा। कुछ आपके निजी संग्रहालय भी हैं, इन्हें भी बता देता हूँ। राजा मेगेंद्र सिंह संग्रहालय, ये आपका शहडोल में देखने को मिलेगा। और डॉक्टर आर एन नागू निजी संग्रहालय, ये इंदौर में देखने को मिलेगा। श्री पदम सिंह निजी संग्रहालय, ये भी आपका इंदौर में है। श्री उमर सिंह नावल्स निजी संग्रहालय, ये भी आपका इंदौर में ही है। श्री राजमल मड़वेया निजी संग्रहालय, ये जबलपुर में देखने को मिलेगा। श्री महेश चौबे निजी संग्रहालय, ये भी जबलपुर में आपका देखने को मिलेगा। महाराजा सीतामऊ निजी संग्रह सीतामऊ मंदसौर में देखने को मिलेगा, जहाँ से रावण की मंदोदरी जुड़ी हुई थी। बिड़ला संग्रहालय, या भोपाल में देखने को मिलेगा आपका। पैलेस संग्रहालय, ये गोविंदपुर रीवा में देखने को मिलेगा, रीवा। जैन संग्रहालय, ये आप देखेंगे उज्जैन में देखने को मिलेगा। और जैन कॉलेज संग्रहालय, ये विदिशा में देखने को मिलेगा। कहाँ? विदिशा में, ठीक है। और एक आप देखेंगे महाराजा छतरपुर संग्रहालय, ये खजुराहो में देखने को मिलेगा, जो छतरपुर ज़िले में है। सिंधिया संग्रहालय, ये आप देखेंगे ग्वालियर में देखने को मिलेगा। जैन संग्रहालय, ये आपका टीकमगढ़ में देखने को मिलेगा। ये सभी आप लोग याद रखिए। मध्य प्रदेश में राज्य पुरातत्व संग्रहालय भी हैं, इसकी स्थापना आप देखेंगे 1965 में होती है। इसकी चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें आप देखेंगे इंदौर, ग्वालियर, रीवा और नागपुर में, ठीक है। कुछ विश्वविद्यालय में भी आप संग्रहालय बना लेते हैं, जैसे आप देखिए सागर में देखेंगे सागर विश्वविद्यालय में, जबलपुर में देखेंगे जबलपुर विश्वविद्यालय में, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में भी देखेंगे आप लोग, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए। कुछ और संग्रहालय हैं जिसमें आप श्री बादल भोई शासकीय जनजाति संग्रहालय, ये पातालकोट छिदवाड़ा में देखने को मिलेगा। जनजातीय संग्रहालय, ये भोपाल में देखने को मिलेगा। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, ये भी आपका भोपाल में ही है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, याद रखिए ये पहले दिल्ली था लेकिन अब आपका भोपाल में है, इससे क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ठीक है। रामायण और साकेत संग्रहालय ओरछा में देखने को मिलेगा। माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय, पहले भी बता चुका हूँ, ये भी भोपाल में है आपका। सांची संग्रहालय, ये सांची की पहाड़ी सांची में ही देखने को मिलेगा, और इसकी स्थापना आप देखेंगे सर जॉन मार्शल ने की थी, ये भी आप लोग याद रखें। कुछ आपके पुरस्कार में ही है, इनमें आप लोगों को या तो पहला पुरस्कार याद रखना है या फिर आप समझिए जो हाल में ही दिया गया हो उसे आप लोग याद रखिए, इनसे क्वेश्चन इसी तरह का बनने की संभावना रहेगी आपकी। तो सबसे पहले आप देखिए कालिदास पुरस्कार के बारे में, कालिदास सम्मान के बारे में, ठीक है। तो ये आपकी स्थापना की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई है, और आप लोगों को याद रखना होगा इसकी स्थापना डेट भी, ठीक है। और याद रखिए किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत हो गया, नृत्य रूपंकर कला हो गई और रंगकर्म हो गया, इन चार क्षेत्रों में प्रतिवर्ष दिया जाता है। और इसके तहत आप देखिए 2,00,000 रुपये दिए जाते हैं, ये बढ़ती रहती है समय राशि, इसलिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और ये पुरस्कार आप देखेंगे कालिदास समारोह होता है ना उज्जैन में, तभी दिए जाते हैं। और 2012 से आप देखेंगे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत भी गायन में भी एक पुरस्कार दिया जाने लगा है, ठीक है। आपको बताता हूँ कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत में अगर हम बात करें तो पहला मिला था श्री सुमन गुड़ी श्रीनिवास अय्यर को, ठीक है। दूसरे थे मल्लाकार्जुन मल्लिकार्जुन मंसूर, इन्हें 1980-81 में मिला था, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। अभी जो करंट में आप लोग देखिए, जो कोई भी करंट में अपडेट हो जाइएगा, जिसे भी करंट में दिया गया उसे आप लोग करंट में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कालिदास सम्मान अगर शास्त्रीय नृत्य की हम लोग बात करें तो पहली बार ये 1983-84 में श्री रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया गया था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। कालिदास सम्मान रंगकर्म की बात करें तो पहली बार श्री शंभु मित्र को दिया गया था, ठीक है। कालिदास सम्मान रूपंकर कलाओं की बात करें तो पहली बार श्री के जी सुब्रमण्यम को दिया गया था, 1981-82 की बात है, ठीक है। तानसेन सम्मान की बात करें तो इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग जानते हैं कि संगीत से जुड़े हुए हैं। और इसमें आप देखेंगे 1980 में स्थापित हुआ था, 1980 में स्थापना हुई थी इसकी, इस सम्मान की।
और इसके तहत अब 2 लाख दिया जाने लगा। ये महत्वपूर्ण नहीं है 2 लाख, महत्वपूर्ण है कि आप समझिए कि एक बढ़ते रहते हैं, ठीक है, कब स्थापना हुई ये जरूर है। प्रथम अगर हम लोग तानसेन सम्मान की बात करें तो सुन लीजिए, एक बार याद रख लीजिए, इनसे क्वेश्चंस बनेगा। हीराबाई बड़ोदकर, बिस्मल्ला खान, पंडित कृष्णराज। हीराबाई बड़ोदकर, बिस्मल्ला खान, पंडित कृष्ण राव, इन तीनों को दिया गया था, ठीक है। और 2019 की भी बता देता हूँ, विद्यासागर व्यास को दिया गया था। 2018 में मंजू मेहता को दिया गया था, और बाकी अभी अगर किसी को आप लोग देखिएगा करंट से जुड़ जाइएगा। तुलसी सम्मान की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें आप देखेंगे 1983 में स्थापित हुआ था, 1983 में, ये आप लोग याद रखिए। और पहली बार आपको बता दूं कि ये आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं में दिया जाता है, ठीक है। और इसमें पहली बार हरी जी केशव और गिर राज प्रसाद को दिया गया था 1983 में। हरी जी केशव गिरजा गिरराज प्रसाद को, ठीक है। और 18-19 में बात करें तो विक्रम यादव को दिया गया था। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई अगर सम्मान की बात करें तो ये पहली बार आप देखेंगे तेजन बाई को दिया गया था, ठीक है, तेजन बाई को 1996-97 में, ये आप लोग याद रखिए। कबीर सम्मान की बात करेंगे हम लोग तो ये आप लोगों को भारतीय भाषा की कविताओं के लिए दिया जाता है, ठीक है। और प्रथम पुरस्कार दिया गया था आप लोगों को देखने को मिलेगा गोपाल कृष्ण अडिग को, 1986-87 की बात है। इकबाल सम्मान की अगर हम बात करें तो ये आप देखेंगे संस्कृत विभाग द्वारा दिया जाता है उर्दू साहित्य में, और ये पहली बार दिया गया था अली सरदार जाफरी को, 1986-87 की बात है, ठीक है। ये आप लोग आपका मैथिली शरण गुप्त सम्मान की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की, तो ये भी आपका संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है, हिंदी कविता में जो भी अच्छा योगदान देता है उसके लिए, ठीक है। इसमें इसे भी पहली बार आप देखेंगे शमशेर बहादुर को दिया गया था 1987-88 में, ठीक है। महात्मा गांधी पुरस्कार, तो ये भी आप लोगों को गांधी दर्शन में के अनुरूप दिया जाता है, जो भी सामाजिक कार्य करता है, ठीक है। पहली बार ये कस्तूरबा ट्रस्ट इंदौर को दिया गया था 1995-96 में, इसकी स्थापना हुई थी तभी की बात कर रहा हूँ, और ये आराम से आप लोगों को याद भी बना रहेगा कि पहली बार कस्तूरबा ट्रस्ट इंदौर को दिया गया था, क्योंकि कस्तूरबा महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। किशोर सम्मान की बात करें तो इसमें आप देखेंगे प्रसिद्ध अभिनेता और जो फर्स्ट गायक थे स्वर्गीय अशोक कुमार, इनकी याद में दिया जाता है संस्कृति विभाग द्वारा, ठीक है। और ये पुरस्कार आप देखेंगे अभिनय हो, निर्देशन हो, पटकथा हो, गीत लेखन हो, इसी क्षेत्र में दिया जाता है हर साल। और पहली बार ऋषिकेश मुखर्जी को 1997-98 में दिया गया था, किसे, किशोर सम्मान पहली बार ऋषिकेश मुखर्जी को 1997-98 में दिया गया था। फिर आप देखिए लता मंगेशकर पुरस्कार, ये आप लोगों को याद रखना होगा 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, और संगीत के क्षेत्र में एक तरह से दिया जाता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। और पहली बार ये नौसाद को दिया गया था 1984-85 में, ठीक है, 1984-85 में पहली बार नौसाद को। कवि प्रदीप राष्ट्रीय सम्मान, ये मेरे वतन के लोगों, इन्हीं की रचना थी कवि प्रदीप की, इन्हीं की याद में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कला और संस्कृति विभाग देती है इसे, और याद रखिए ये भी आप लोग याद रखिए। ये आपका 2013 से शुरू किया गया था, और पहली बार ये दिया गया था 2013 में गीतकार गोपाल दास नीरज को पहली बार कवि प्रदीप राष्ट्रीय सम्मान मिला था। कुमार गंधर्व अगर हम लोग बात करें गंधर्व पुरस्कार की, तो ये याद रखिए शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और पहली बार अजय चक्रवर्ती को 1992-93 में दिया गया था। कुमार गंधर्व पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था, ये अजय चक्रवर्ती को 1992-93 में। शिखर सम्मान की बात करें तो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है, 1980 से दिया जा रहा है, और ये क्या है कि इसका योगदान जिसका साहित्य में प्रदर्शन कलाओं में रूपांकर कलाओं में होता है उन्हीं को दिया जाता है, ठीक है। और पहली बार बात करें अगर हम लोग शिखर सम्मान की, तो पहली बार श्रीकांत वर्मा और डीजे जोशी और पंडित कार्तिक राम को दिया गया था, ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान की बात करें आप लोग, तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और ये निबंध और पत्र लेखन डायरी और आलोचना के क्षेत्र में दिया जाता है एक तरह से। अखिल भारतीय पुरस्कारों की बात करें तो आप जानते हैं भवानी प्रसाद मिस पुरस्कार कविताओं के क्षेत्र में दिया जाता है,
वीर सिंह देव पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में, मुक्तिबोध पुरस्कार कहानी के क्षेत्र में, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार आलोचना के क्षेत्र में, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी पुरस्कार गद्य विधा के क्षेत्र में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। प्रादेशिक पुरस्कार भी दिए जाते हैं साहित्य परिषद द्वारा। और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप लोग याद रखिए, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है, जो भी श्रेष्ठ संपादक रहता है उसे दिया जाता है, ये आप लोग। राजेंद्र माथुर फेलोशिप भी दी जाती है, ठीक है, ये लोकहित से जुड़े गंभीर जो भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन पर शोध करता है उन्हीं को दी जाती है। तरुण कुमार भादुड़ी पुरस्कार प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक के याद में दिया जाता है, जो भी युवाओं को दिया जाता है, युवा पत्रकारों को जो अच्छा काम करते हैं। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी पुरस्कार, ये भी युवा पत्रकारों को दिया जाता है उनका हौसला बढ़ाने के लिए। रामेश्वर गुरु पुरस्कार, ये भी राज्य पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, ये भी आप लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आप लोग और भी सुनते हैं पुरस्कार। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी आप लोग याद रखिए। राहुल बारपूते ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, बनारसी दास चतुर्वेदी ग्रामीण पत्रकार पुरस्कार, मणिकलाल वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, जीवन वर्मा ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, शरद जोशी ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, महेंद्र सिंह चौधरी स्मृति फोटो पत्रकारिता पुरस्कार, ये भी दिए जाते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल ने इंदौर को 3 बार पुरस्कार दिए हैं। 200,000 सालाना पैसेंजर कैटेगरी में एशिया पैसिफिक अवार्ड 2017 भी मिला है, बेस्ट कस्टमर सर्विस के लिए भी मिला है, बेस्ट फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, ये आप लोग याद रखिए। और 20 से 50 लाख प्रतिवर्ष यात्री वाली एयरपोर्ट की श्रेणी में 3 अवार्ड पाने वाला इंदौर पहला एयरपोर्ट है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनसे भी क्वेश्चंस आपके पूछे तो आराम से आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ पुरस्कारों के बारे में और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और इनकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि याद रखिए इनसे क्वेश्चंस हर परीक्षा में पूछे जाते हैं आपकी। जैसे याद रखिए महात्मा गांधी पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गांधी दर्शन के अनुरूप सामाजिक कार्य के क्षेत्र में एक तरह से इस पुरस्कार को दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में, कब 1995 में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। अगर आपसे पूछता है लता मंगेशकर पुरस्कार के बारे में, किसके, लता मंगेशकर पुरस्कार, तो इसे भी आप लोग याद रखिए कि सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो जिस क्षेत्र से दिया जाएगा और जो क्षेत्र से जुड़ा हो और उसके नाम पर अगर कोई पुरस्कार दिया जाएगा तो अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसी क्षेत्र से दिया जाएगा जिससे वो जुड़ा था, ठीक है। तो जैसे लता मंगेशकर पुरस्कार आप देख सकते हैं सुगम संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो याद रखिए 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि कबीर राष्ट्रीय सम्मान के बारे में, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारतीय कविताओं के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, 1987 में हुई थी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। अगर कालिदास पुरस्कार के बारे में अगर आपसे बात की जाए या कालिदास सम्मान के बारे में, तो याद रखिए शास्त्रीय संगीत, रूपांकर कला, रंगकरम, शास्त्रीय नृत्य, इस क्षेत्र में दिया जाता है। और ये 1980 से पहली बार 1980 में दिया गया था, यानी कि इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, ठीक है। फिर आप देखेंगे तानसेन सम्मान भी आप लोग सुनते रहते हैं, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये भी आप देखेंगे 1980 में पहली बार, यानी कि 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। अगर आपसे बात की जाए तुलसी सम्मान की, तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि तुलसी सम्मान आपका लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है और ये 1983 से दिया जा रहा है, यानी कि इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। या तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएगा कि किस क्षेत्र में दिया जाता है और कब से दिया जा रहा है, तो इन दोनों को याद रखिए, ठीक है। फिर आप लोग जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की अगर बात करें, तो आधारभूत विज्ञान तकनीकी विकास इंजीनियरिंग विकास में दिया जाता है, ठीक है। और फिर आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्त सम्मान, तो ये हिंदी कविताओं के क्षेत्र में दिया जाता है और 1987 से पहली बार दिया गया था। इकबाल, अगर हम लोग इकबाल सम्मान की बात करें, तो ये आपका उर्दू साहित्य में दिया जाता है, ये भी आपका 1987 में पहली बार दिया गया था, ठीक है,
किशोर कुमार सम्मान की बात करें तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये देखेंगे 1996 में पहली बार दिया गया था। देवी अहिल्याबाई सम्मान की, अहिल्याबाई सम्मान की अगर हम बात करें तो ये लोक कला आदिवासी कला के लिए महिलाओं को दिया जाता है, और 1996 में पहली बार ये भी दिया गया था। ठीक है, एक है आपका डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर पुरस्कार, तो ये प्राचीन संपदा एवं पुरातात्विक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में दिया जाता है, 2005-06 से ये दिया जा रहा है, 2005-06 से, ये भी आप लोग याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी पुरस्कार, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि समाज में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ये आपका 1985 से दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। दूसरा आपका महावीर अहिंसा पुरस्कार, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अहिंसा और शाकाहार के सिद्धांत पर उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग। एक होता है आपका संत रविदास स्मृति पुरस्कार, तो ये सामाजिक चेतना जागृत और दलितों वर्गों के उद्धार के लिए क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और एक है आपका रानी दुर्गावती पुरस्कार, तो इसके बारे में भी याद रखिए कि आदिवासियों के विकास का के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति एवं संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। एक है आपका शंकर साह राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये आपका 2008 से दिया जा रहा है। और रघुनाथ सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये भी आपका 2008 से शुरू हुआ था। ठक्कर बापा राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये भी आपका 2008 से शुरू हुए। ठीक है, महर्षि वेद व्यास सम्मान पुरस्कार, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में समग्र रचनात्मक को अवदान के लिए दिया जाता है, और ये आपका 2008-09 से दिया जा रहा है, 8-09 से दिया जा रहा है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक और आपका है महाराजा अग्रसेन सम्मान, ये सामाजिक सद्भावना और समरसता हेतु दिया जाता है, ये भी आपका 2008-09 से दिया जा रहा है। एक है आपका चंद्रशेखर आजाद सम्मान, तो ये समाज सेवा एवं देशभक्ति के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2006-07 से दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। उसके बाद आप देखेंगे चंद्रशेखर हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय सरद जोशी सम्मान, तो ये हिंदी व्यंग एवं लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, और 1992 से दिया जा रहा है। कुमार गंधर्व पुरस्कार, तो इसकी बात करें तो ये युवा शास्त्रीय संगीतकारों को दिया जाता है, और 1992 से दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक आपका इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार, तो ये समाज के विशेष क्षेत्र में समर्पित सेवा के लिए दिया जाता है, और 1985 से दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। शिखर सम्मान की बात करें तो आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि साहित्य प्रदर्शनकारी कलाओं के रूपांकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपका 1980 से दिया जा रहा है। एक आप सुनते हैं रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, तो ये व्यंग ललित निबंध स्मरण और रेखाचित्र यात्रा आत्मकथा डायरी पत्र रिपोर्टाज इन क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। और ये वैसे आप लोगों को बता चुका हूँ अकादमियों के बारे में, फिर भी आप लोग याद रखिए, संस्कृति विभाग के अंडर में आती हैं। उस्ताद अलाउद्दीन संगीत अकादमी, ये मेहर सतना में है। तुलसी शोध संस्थान, ये आपकी नया गाँव चित्रकूट में देखने को मिली। एक है आपकी आदि वर्ध जनजातीय लोक कला संग्रहालय, एक खजुराहो में। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ आपके और पुरस्कार हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखिए, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार, ये कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। बीरसिंह देव पुरस्कार, उपन्यास के क्षेत्र में। गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार, कहानी के क्षेत्र में। सेठ गोविंददास पुरस्कार, नाटक एवं एकांकी के क्षेत्र में। रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, आलोचना के क्षेत्र में। पद्मलाल पुन्नालाल पुरस्कार, बख्शी पुरस्कार, ये बैंग ललित निबंध संस्मरण रेखाचित्र यात्रा आत्मकथा पत्र डायरी रिपोर्टाज इन क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक, कुछ आपके प्रादेशिक पुरस्कार भी हैं, जिनमें अनिल कुमार पुरस्कार, ये आपका प्रदेश की लघु पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, एक आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार है, ये गीत प्रबंधक के क्षेत्र में दिया जाता है। एक सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार है, ये कहानी के क्षेत्रों में दिया जाता है। एक आपका विश्वनाथ सिंह पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, ये कविता के क्षेत्र में। एक है आपका नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार, ये आलोचना के क्षेत्र में दिया जाता है।
और हरि कृष्ण प्रेमी पुरस्कार ये नाटक एवं एकांकी के क्षेत्र में दिया जाता है। एक आपका मुकुटधर पांडे पुरस्कार ये सृजनात्मक चिंतन एवं ललित निबंध के क्षेत्र में दिया जाता है। एक आपका माधव राव सप्रे पुरस्कार ये विदेश की विभूति स्थान एवं इतिहास व गद्य पद्य में लिखित कृति के लिए दिया जाता है। ठीक है, एक आपका रामविलास शर्मा पुरस्कार ये लेखन की प्रथम कृति के लिए दिया जाता है। एक आपका दुष्यंत कुमार पुरस्कार ये 35 वर्ष से कम आयु के लेखन एवं लेखिका के प्रथम कृति के लिए दिया जाता है। ठीक है, एक शरद जोशी पुरस्कार ये व्यंग के क्षेत्र में दिया जाता है। राजेंद्र माथुर पुरस्कार रेखाचित्र संस्मरण यात्रा और आत्मकथा और पत्र रिपोर्टिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। ईश्वरी पुरस्कार ये लोक भाषा कृति के लिए दिया जाता है। रविशंकर शुक्ल पुरस्कार बाल साहित्य के लिए यानी कि 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए दिया जाता है। तांबे पुरस्कार ये मराठी साहित्य के लिए दिया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इनसे भी अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से आप लोग याद रख सकते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और कुछ आपके जनजातीय पुरस्कार हैं जिनमें आपको मालूम होना चाहिए, जन नायक टंड्या भील पुरस्कार, रानी दुर्गावती सम्मान, और आपका शंकर साय एवं रघुनाथ साय पुरस्कार या ठक्कर बापा पुरस्कार। ठीक है, और कुछ अन्य भी हैं, शरद जोशी पुरस्कार के बारे में आप लोग सुनते हैं, डॉक्टर विष्णुधर वाखंडकर पुरस्कार हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन्हीं में से आप लोग क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे राजेंद्र माथुर स्मृति शिक्षावृत्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में, मुक्तिबोध शिक्षावृत्ति साहित्य के क्षेत्र में, अमृतदास सेरेगल शिक्षावृत्ति चित्र और मूर्तिकला के क्षेत्र में, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत शिक्षावृत्ति संगीत के क्षेत्र में, चक्रधर शिक्षावृत्ति शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में, इंदिरा गांधी फेलोशिप ये पर्यावरण शोध के लिए क्षेत्र में दिया जाता है। और राजा भानसिंह तोमर को भी आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है, संस्कृति संगीत एवं संस्कृति के संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आपका वनों की एक तरह से वनों को बचाने के लिए कह सकते हैं बसावन मामा स्मृति वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसी से आपका काफ़ी है आपका। ठीक है, अगर आपसे इससे पूछता है कि जो भी मध्य प्रदेश की कला साहित्य शिल्प और संस्कृति है इन्हीं में से आराम से पूछ लेगा। ठीक है, तो अगला चैप्टर मिलेगा आपका मध्य प्रदेश पर्यटन एवं धार्मिक स्थल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है।